थैंक यू जी। तो हम लोग सम्मान को थोड़ा आप समझने का प्रयास करते हैं। आपसे चैट बॉक्स में थोड़ा मैं ओपिनियन लेता हूँ, सम्मान किसको कहेंगे, सम्मान क्या है, जैसा आपको फील होता है यहाँ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सम्मान क्या है, हम लोग डे वन से सम्मान की बात कर रहे हैं, किसको सम्मान कहेंगे, कब हम सम्मानित महसूस करते हैं, जरा चैट बॉक्स में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी लखन जी आपकी बात सुनेंगे, अभी आप थोड़ा सा चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें, या फिर आप वही सम्मान को रखना चाह रहे हैं। अच्छा रमेश जी ने कहा कॉमन मैक्सिमम बैलेंस, ओके। तो रिस्पेक्ट को तो सेल्फ रिस्पेक्ट कहना ठीक नहीं है, तो रिस्पेक्ट का एक पार्ट हो गया। फिर वो रिस्पेक्ट क्या है, या चलिए ऐसे पूछते हैं, आप कब रिस्पेक्टेड फील करते हैं। जैसा मैं हूं वैसा स्वीकार किया जाए, सामने वाला व्यक्ति भी मेरे समान है, अपमान का न होना, ईगो सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा सम्मान चाहने से उपजा है, प्रवीण जी कहना है वो भाव जिसे संतुष्टि मिलती है, स्वीकारिता। लेकिन ऐसे इतने मौलिक मुद्दे हैं, इनको तो बात करना जरूरी है ना? मेरे विचारों और कामों का सम्मान या स्वीकारता। जी जी ठीक है, अभी इसको थोड़ा इलैबोरेट करते हैं और क्लैरिफाई हो जाएगा। अच्छी बात है, विश्वास की चर्चा हमने की और हमें कई सारे महत्वपूर्ण चीजें स्पष्ट हुई, जैसे कि एक तो इच्छा और सहस्वीकृति में क्या अंतर है, यह स्पष्ट हुआ काफी हद तक, और सबकी सहस्वीकृति एक ही समान है, सुखी होने सुखी करने की, यह स्पष्ट हुआ। अब इसको थोड़ा हम लोग योग्यता के आकलन में जाते हैं और सम्मान को समझने का काम करते हैं। तो परिवार में व्यवस्था पे बात हो रही है, विधि यही है कि जो बात जारी प्रस्ताव के रूप में है उसको जांच कर देखना है, जी कर देखना है, और इससे परिवार में जो मेरी भागीदारी है वो स्पष्ट होगी, मेरा मूल्य स्पष्ट होगा। तो ये बात आई थी पहले, संबंध है, संबंध में भाव है, भाव को पहचाना जा सकता है, निर्वाह करने से उभय सुख होता है, मूल्यांकन करने से उभय सुख होता है। तो हम लोग अब रिस्पेक्ट की बात करते हैं। अगर परिभाषित करें, जैसे मैं अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखता हूँ, सम्मान बराबर सही आकलन, रिस्पेक्ट इज राइट इवैल्यूएशन, कहना ठीक है, क्या लगता है, हाँ या ना? रिस्पेक्ट इज राइट इवैल्यूएशन, कोई मेरा सही सही आकलन करे, जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आए है ना और कहना शुरू करे, क्या कहना साहब, आपके जैसा तो कोई हैंडसम नहीं, आपके जैसा कोई स्मार्ट नहीं, आपके जैसे अंग्रेजी बोलने वाला कोई नहीं, आपके जैसा कोई इंटेलिजेंट नहीं, अब वो बढ़ा चढ़ा कर आपके बारे में कह रहा है, अब आपको क्या लग गया, सम्मान मिल रहा है नहीं मिल रहा है? अगर कोई बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है, जी सुनीता जी कुछ कहना चाह रही है, फिर सुरभि जी भी कुछ कहना चाह रही है। जी उसमें मैं कहना चाहूंगा सर जी, बालवीर जी जी अब हो सकता है वो जो उसको बड़ा चढ़ा करके सामने वाले को बात कह रहा है, लेकिन उसके भाव को परखना पड़ेगा कि उसका वो किस भाव से उसके जो उसके सम्मान में जो बात रख रहा है, हो सकता कि उसे खुश करने के लिए रख रहा हो लेकिन वो भाव ना हो जो सम्मान के प्रति होना, जो सम्मान होना चाहिए। भाई तो अगर कोई ऐसी बात कह रहा है व्यक्ति जिसको आपको खुद नहीं लगता कि बात ठीक नहीं है, तो उसकी बात को सुन के आप आराम मिलेंगे या परेशान होंगे? उसकी बात को सुनकर आराम मिलेगा, घबराने में नहीं आएगा वो। हेलो, वो सम्मान के रूप में नहीं मानूंगा मैं उसे। नहीं जी सर जी। सुनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा, उसके बाद देखें गणेश जी कुछ हैंड रेस, ये सुरभि जी कुछ कह रही हैं। हाँ हेलो, हाँ बस हमने जो सम्मान का ये चैट बॉक्स में एक मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन मुझे जो लगा वैसा डाला था, मुझे लगता है शायद ये उससे कुछ मिलता जुलता है।
मैंने लिखा था हमारी सही समझ के लिए किए गए से किए गए कार्यों को लोग भी अगर स्वीकृत करते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि अगर हम किसी की गलत प्रशंसा से वो हो रहे हैं, लेकिन जो एक उनकी जो उनका कहना अलग हो सकता है और उनका मानना और हमारा सही इवैल्यूएशन थोड़ा अलग हो सकता है, तो ये शायद उससे कुछ मिलता जुलता है अगर आप इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं। जी, काफी हद तक ठीक है, जैसे आगे बात बढ़ेगी और क्लियर हो जाएगा। धीरेन जी कुछ कहना चाह रहे थे, शायद अनम्यूटेड थे। नहीं भैया, मैं मुझसे पूछा गया कि आप अनम्यूट होना चाहते हैं क्या, तो अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है भैया, जी ठीक है, तो बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, दो लोगों ने हैंड्स रेज किए, हाँ भारत भूषण जी। जी हाँ जी सर, ये जो सही आकलन का मतलब है कि एक्चुअली जैसे हम हैं उसी का मतलब सही आकलन है। हाँ तो सर, मतलब जो ना एक सर, क्योंकि जो ना मैं मैथमेटिक्स में जो ना कमजोर स्टूडेंट रहा हूँ, तो सर स्कूल में जो ना जब कॉपियों की जांच करी जाती थी तो मैथ्स में जैसे मेरे जीरो आ जाते थे, तो टीचर जो ना मुझे सही आकलन कर रहा है, लेकिन उसमें सर मेरा सम्मान तो नहीं होता था, तो इसलिए जो ना मैंने आंसर नो में दिया था, और वही मुझे लगता है कि जो ना सही आकलन का मतलब सम्मान नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने नो करा है इसमें, बस यही मैं शेयर करना चाह रहा था। ठीक है, इनफैक्ट आप इस प्रश्न को बनाए रखिएगा, जैसे बात आगे बढ़ेगी इसका रिस्पांस मिलेगा, नहीं तो लोग वापस पे बात करेंगे। सर मैं रखूं अपने पास? जी गणेश जी कुछ कह रहे हैं। हाँ मैं ये कह रहा था कि बढ़ा चढ़ाकर जो जैसे बात की जा रही है, समान बढ़ाने वाली बातें हो रही है, तो वो व्यक्ति का सही आकलन नहीं है, और जब व्यक्ति का सही आकलन नहीं है तो वो सहज स्वीकार्य नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, और जब सहज स्वीकार्य नहीं होगा तो वो सम्मान नहीं होगा। जी यही कहना चाह रहा था। ठीक बात है, भारत भूषण जी ने हैंड रेज किया है। जी भारत भूषण जी को सुन लेते हैं। सर मैं बात कह चुका था, वो हैंड डाउन करना रह गया था मेरा। ओके जी, लखन जी कुछ कह रहे थे। हाँ मैं ये कह रहा था, बड़ा चढ़ाकर बात करने का तात्पर्य तो सीधे सीधे ये होता है कि जो व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है वो अपना कोई ना कोई निहितार्थ, उसका स्वार्थ है जिसकी पूर्ति के लिए वो ऐसा कर रहा है, आकलन तो नहीं कर रहा, वो आकलन नहीं कर रहा। ठीक बात है, वो अपने अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहा। जी समझते हैं इसको, सम्मान क्या है, है ना। देखिए सम्मान की चाहना हम सब में है, हमने देखा भी था कि सम्मान की चाहना हर क्षण बनी रहती है, तो सम्मान है क्या इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट हिंदी का जो शब्द है सम्मान, अगर इसको थोड़ा विच्छेद करें तो उसे अर्थ निकल आता है। सम्मान मतलब सम प्लस मान, सम मतलब सम्यक, ठीक ठीक, मानना, मान मतलब मापना, आकलन करना, ठीक ठीक आकलन करना, जैसा मैं हूँ वैसा मेरा आकलन होता है तो मैं सम्मानित महसूस करता हूँ, अगर वैसा नहीं होता तो क्या होता है, तीन तरह की गलतियां होती है, या तो अधिक आकलन हो जाता है, या कम होता है, या अन्यथा होता है। तो दूसरी तरफ देखें तो मूल्यांकन में चूक कैसे होती है, तो ओवर इवैल्यूएशन कर दिया, अधिमूल्यन, अधिक आकलन कर दिया, जितना है उससे अधिक आकलन कर दिया। अब कोई आपका अधिक आकलन करता है, आपको घबराहट शुरू हो जाती है, कोई व्यक्ति आपके सामने आ और ऐसी प्रशंसा शुरू कर दे लगातार कि आप साहब आप जैसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं, आपको लगता जरूर इसको कोई काम निकालना है, तुरंत हमारी परेशानी शुरू हो जाती है। कोई आए और ऐसे कोई अब्यूजिव लैंग्वेज बोलने लगे, अवमूल्यन करने लगे, दूसरी बात हो सकती है, कम आकलन करे तो भी हम परेशान होते हैं, हमें स्वीकार नहीं होता। कोई अन्यथा आकलन कर दे, जैसे है उसे बिल्कुल भिन्न एक आकलन कर दे। ये तीनों ही जो आकलन है, अधिक आकलन करना, कम आकलन करना, अन्यथा आकलन करना, ये तीनों ही अपमान है, क्योंकि इन तीनों के साथ हमको आराम नहीं मिलता, संबंध में सुख सुनिश्चित नहीं होता, कंफर्टेबल नहीं होते। जैसे उदाहरण लिया जाए, फिर से घर में कोई बच्चा है ना, पढ़ाई लिखाई में अच्छा कर गया और माँ बाप उसके पढ़ाई लिखाई से परफॉर्मेंस से बड़े खुश हो गए, अब तुरंत उसको क्या नाम देते, राजा बेटा, हमारा बेटा तो राजा बेटा। अब बच्चे को पता नहीं राजा का मतलब क्या होता है, आपने नाम दे दिया राजा बेटा। अब कोई गेस्ट आ जाए और आप उसको कहते हैं जाओ बेटा अपना मार्कशीट लेकर आओ, रिपोर्ट कार्ड लेकर आओ, देखिए हमारे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड, मैथ्स में 98 आया, 100 में, इंग्लिश में देखिए इतने अच्छे नंबर आए हैं, और ये तो आगे चलकर कुछ ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, और उसको आप एक राजा बेटा नाम देकर पुकारना शुरू करते हैं। बच्चा धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस बात को मान लेता है कि मैं तो राजा हूँ इस घर का, है ना। तो एक बार गेस्ट आते हैं, दो बार आते हैं, चार आते हैं, हर एक के सामने आप इंट्रोड्यूस करते हैं कि मेरा बेटा राजा बेटा। अब वो क्या हो, बच्चे की एक मान्यता बन गई कि मैं तो राजा हूँ, अब राजा का मतलब क्या हो गया, बाकी सब प्रजा है, तो काम कौन करेगा, प्रजा करेगी, मैं क्या करूंगा, मैं शासन करूंगा,
आदेश दूंगा। अब बच्चे के अंदर हमने एक मान्यता बना दी अपने गलत आकलन से। अब जब कोई अगली बार गेस्ट आता है ना, आप इंट्रोड्यूस तो कराते हैं कि राजा बेटा है, ठीक। अब कहते हैं आप बच्चे जरा अंकल के लिए पानी लेकर आओ, वो कह देता है मैं नहीं लाता। अब गेस्ट के सामने बच्चे ने आपकी अवज्ञा कर दी, बात मानने से इनकार कर दिया, बोल दिया मैं नहीं करता, ठीक। अब आपको बड़ा अपमानजनक लगता है। अब ऐसी एक दो बार और कोई बात हो जाए उसी गेस्ट के सामने, आपने कह दिया कि यहाँ मत खेलो, दूर चले जाओ, आवाज आ रही है, उसने फिर भी मना कर दिया। अब कहते नालायक कहीं का, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में अच्छा क्या हो गया है, पता नहीं अपने आप को क्या सोचता है। अब एक बार हम राजा कह रहे थे अधिमूल्यन, अब नालायक कह दिया, ना लायक, किसी लायक नहीं। अब ये क्या हो गया, अवमूल्यन, जैसा है उससे हमने कम आकलन कर दिया उसका, नालायक कह दिया। और किसी बात पर गुस्सा आ जाए, उसने तोड़ फोड़ दिया सामने में, गधा कहीं का, अब उसको हम मनुष्य भी नहीं मान रहे, गधा कह दिया, है ना। ये क्या हो गया, अवमूल्यन, अन्यथा आकलन कर दिया हमने, मनुष्य को मनुष्य भी नहीं मान रहे, गधा कह रहे हैं, कोई पशु का और दूसरा नाम ले दिया, है ना। अब अगर हम व्यवहार में देखें ना, तो हम सम्यक आकलन जब नहीं कर रहे हैं, ठीक ठीक आकलन नहीं कर रहे हैं, ये तीन तरह का फ्लक्चुएशन होता रहता है। पत्नी ने पति के पसंद का भोजन बना दिया, अधिमूल्यन कर दिया। भोजन में तेल मसाला थोड़ा या नमक ज्यादा हो गया, अवमूल्यन कर दिया। और क्रोध आ गया, अवमूल्यन कर दिया। पति ने पत्नी के मन लायक कोई काम कर दिया, इससे पहले कि वो कहती कि हमें इस चीज की जरूरत है, लाके दे दिया, अधिमूल्यन कर दिया। कहने के बावजूद भूल गया, अवमूल्यन कर दिया। भूलता ही गया, अवमूल्यन कर दिया। अभी आप व्यवहार में देखिए तो तीन तरह के फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। कानपुर में कॉलेज है, महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें एक लड़की से एक टीचर ने इंटरेक्ट किया तो कुछ बातें समझ में आई, तो उससे हम लोग को ये दिखा कि एक टिपिकल एग्जांपल है उस लड़की के साथ जो हुआ घटना। क्या वो लड़की यूपी के किसी रिमोट विलेज से पढ़ने के लिए आई थी और वहाँ पे एमसीए कर रही थी, तो उस गांव से बहुत कम लड़कियां निकली थी, शायद पहली लड़की थी जो पढ़ने के लिए निकली, वो भी कंप्यूटर का अध्ययन कर रही थी। तो इसका परफॉर्मेंस पहले सेमेस्टर बहुत अच्छा रहा। जब ये घर गई दिसंबर के वैकेशन में, तो इसने बताया कि मुझे देखो कंप्यूटर में इतने नंबर आए हैं, मैथ्स में इतने नंबर आए हैं। तो माँ बाप बड़े खुश हुए और उसकी खूब वाहवाही हुई, पूरे घर में हुई, आस पड़ोस में हुई, गांव में सबको बताया कि हमारी लड़की शहर में पढ़ती है, कंप्यूटर पढ़ती है, और उसके इतने अच्छे नंबर आते हैं, अभी आगे अमेरिका जाएगी, विदेश जाएगी, ये करेगी, है ना, ये बहुत सारी तारीफ हुई। अब इस लड़की ने धीरे धीरे अपना अधिमूल्यन करना शुरू कर लिया, कई बार व्यवहार में चूक हो जाती है। अब इस लड़की की एक बड़ी बहन थी, एक छोटा भाई था, तो क्या हो, जब भी कोई गेस्ट घर में आएंगे तो इसको बैठा दिया जाएगा सामने कि बेटी बताओ तुम वहाँ क्या क्या पढ़ती हो, कंप्यूटर कैसे चलाती हो, क्या बात करती हो, है ना, अब सब बताया जाएगा। बड़ी बहन को कह देंगे जाओ तुम गेस्ट के लिए नाश्ता बना के ले आओ, पानी ले आओ, चाय ले आओ। अब इसको बुरा लगता था कि देखो छोटी बहन हो क्यों बैठी है, अब मैं बड़ी बहन होके जाऊँ सबकी सेवा करूँ, तो इसके अंदर थोड़ा सा वो लगता था कि मेरा अवमूल्यन हो रहा है। इसका एक छोटा भाई था, वो पढ़ता लिखता नहीं था, खेलता कूदता था, पूरे समय मिट्टी पानी करता रहेगा और गंदा रहेगा, तो उसको बिल्कुल ऐसा मानते थे कि आदमी ही नहीं है, है ना, मनुष्य ही नहीं, अकाउंट करने लायक मेंबर नहीं है फैमिली का। तो उसका कई बार ऐसा लोग गांव में बोलचाल में बोल जाते ना, गधा पाजी, ऐसा तो कुछ ना कुछ अपशब्द बोला जाता था उसको, तो उसका अवमूल्यन होता था। अब ये क्रम चलता रहा, एक सेमेस्टर और चला। अब क्या हुआ, जब गाँव से लौट के आई तो बड़ी बहन और छोटे भाई ने सोचा कि इसके साथ ना अब ऐसा कब तक चलेगा, हम लोग कब तक अपमान सहेंगे। इन दोनों ने आपस में ज्वाइन कर लिया। फिर वो जब बेटी घर पे नहीं थी तो इन्होंने कहना शुरू किया माँ बाप से कि देखिए आपने कभी देखा उसको मोबाइल में कितने नंबर हैं, किन किन के नंबर हैं, किन से बात करती है, रात को देर तक बात करती है, ठीक। अब उन्होंने माँ बाप के ना कुछ कहना शुरू किया इस तरह की बातों को लेकर। अब माँ बाप सशंकित हो गए कि लड़की तो पढ़ लिख रही है, पढ़ाई में अच्छी है, सब कुछ अच्छा है ना, और कहीं हाथ से ना निकल जाए। अब ये घबरा गए। अब अगली बार समर वेकेशन में गई तो माँ बाप ने इसके साथ बहुत सख्ती से व्यवहार किया। अब सख्ती से जो व्यवहार किया तो उन्होंने कहना शुरू किया कि तुम अपने है ना पढ़ाई लिखाई में इतना मत ऐसा अपना ये करो कि है ना पाँव जमीन पे ना रहे, ऐसा ना रहे, वैसा ना, दस तरह की बातें बोली गई इसको। और इसको ये भी कहना शुरू कर दिया गया कि तुम बहुत ब्यूटीफुल नहीं हो, है ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, वैसे हो वैसे हो,
पढ़ाई लिखाई ठीक है बट ये भी कोई चीज होती है, इस पर भी ध्यान दो। अब ये सब कह के जब उन्होंने वापस भेजा तो इस लड़की डिमोरलाइज्ड हो गई। अब थर्ड सेमेस्टर इसका परफॉर्मेंस काफी बुरा हो गया, तो फिर टीचर ने बुलाया, बातचीत की, तो हमको ये सारी बातें पता चली कि ऐसा ऐसा उस लड़की के साथ घटना हुआ है। तो अब क्या हो रहा है कि हम संबंधों में, आपस में, परिवार में कई बार राइट इवोल्यूशन नहीं करते हैं, एक बार ओवर इवोल्यूशन करते हैं, जब ओवर से बात आगे बढ़ जाती है, संबंध खराब हो जाता है, फिर अंडर इवोल्यूशन करते हैं या अदरवाइज इवोल्यूशन करते हैं, और इस तरह का फ्लक्चुएशन हमारे अभ्यास में आ जाता है, व्यवहार में आ जाता है। अगर परिवार में देखें तो, कॉलेज में देखें तो, कोई बच्चा अगर परफॉर्म अच्छा कर रहा है, टीचर ने उसको क्लास में बहुत हाईली प्लेस कर दिया कि सबसे, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कौन बताएगा, ये बच्चा बताएगा, ये बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है, और उस बच्चे के अंदर अधिमूल्यन करते करते का अभ्यास बन जाता है, बाकी किसी बच्चे को कुछ है ना गलत व्यवहार करने लगता है, फिर एक गैप बन जाता है, फिर दो गुट बन जाते हैं। अभी जो कुछ भी है ये सब अपमान है, ये बात समझने की है कि जब भी हमारा इवैल्यूएशन सही नहीं है, ठीक ठीक नहीं है, तो ये अपमान है। ये बात ठीक है कहना, क्या लगता है, हाँ या ना? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि अगर हमारा इवैल्यूएशन सही नहीं है, है ना, तो ये अपमान है। ये देखने की बात है कि यदि हम अपना सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहे, अपने को ओवर इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो भी अपना अपमान कर रहे हैं कि नहीं? अगर आप अपना ओवर इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो आप अपना अपमान कर रहे हैं, अंडर कर रहे हैं तो भी अपना अपमान कर रहे हैं, अदरवाइज कर रहे हैं तो भी अपना अपमान कर रहे हैं। मजे की बात है कि अगर आप अपना ओवर इवैल्यूएशन करेंगे तो अगले का अंडर इवैल्यूएशन करेंगे, अपना अंडर इवैल्यूएशन करेंगे दूसरे का ओवर इवैल्यूएशन करेंगे, अपना अदरवाइज इवैल्यूएशन करेंगे दूसरे का अदरवाइज करेंगे। और एक प्राइमरी अदरवाइज इवैल्यूएशन है वो ये है कि अपने आप को शरीर मान लेना, मैं को समझना नहीं, है ना, ह्यूमन बींग को सेल्फ और बॉडी के कोएग्जिस्टेंस के रूप में ना समझ पाना, शरीर मान लेना, ये अदरवाइज है ना, ह्यूमन बींग को बॉडी मान लेना, तो ये सारा अपमान है। अब जब ओवर इवैल्यूएशन होता है ना, अधिमूल्यन होता है, तो ईगो आता है उससे। जैसे आप अपना अधिमूल्यन करते हैं उससे आपके अंदर ईगो आ जाता है। अगर उसी के ईगो पूरा ना हो, जैसा आपने सोच लिया अपने बारे में, तो क्या होता है, उसका जो कंट्रास्ट है वो अंडर या अदरवाइज इवैल्यूएशन है। जो आपने सोच लिया कि मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा, है ना, जैसे आप, जैसे कोई बच्चा हो एग्जामिनेशन दे और टॉप कर जाए, अरे मैं तो पूरी दुनिया जीत लूंगा, ये क्या हो गया, अधिमूल्यन। अगला एग्जाम आया और उसमें नहीं परफॉर्म कर पाया, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीना बेकार है, ये अवमूल्यन हो गया, ये अवसाद हो गया। तो अभी देखें तो ऐसा फ्लक्चुएशन होता रहता है लोगों के मूल्यांकन में, एक बार ईगो, एक बार अवसाद, एक बार ईगो, एक बार अवसाद, ऐसा फ्लक्चुएशन होता रहता है हमारे मूल्यांकन में। एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं आपका, कोई प्रश्न हो तो उसको भी ले लेंगे। तो क्या ये मेरे साथ होता है, अधिमूल्यन, अवमूल्यन या अमूल्यन यानी अन्यथा मूल्यन? क्या मैं अपना करता हूं, क्या दूसरे का करता हूं? इस पे किन्हीं कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले लेते हैं। अब ये गलत मूल्यांकन क्यों हो रहा है, क्योंकि गलत मान्यताएं बन गई हैं, रॉन्ग एजम्पशंस हो गए हैं। ये जो गलत मान्यताएं बनती हैं, इससे हमारे अंदर स्वयं में अव्यवस्था होती है, इससे तनाव होता है, फिर निराशा होती है, फिर अवसाद होता है, और कई कई बार यहाँ तक बात चली जाती है, आत्महत्या हो जाती है। आप सोचिए कि, है ना, कई जगहों से चुन के बच्चे आते हैं IIT में, तो समाज की निगाह में तो बहुत तेज बच्चे हैं, बट वहाँ पे आने के बावजूद जब उनके बीच में कंपटीशन शुरू होता है तो बच्चे कई बार आत्महत्या करते हैं, है ना। हर सेमेस्टर कम से कम एक दो IITs में तो आत्महत्या की सूचना आई जाती है। अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों ने कहीं ना कहीं अपना अधिमूल्यन कर लिया था, पूरा नहीं हुआ, अवमूल्यन हो गया, और ऐसे फ्लक्चुएशन होता रहता है। राइट इवैल्यूएशन करेंगे तो हमारा एक इवैल्यूएशन में कंटिन्यूटी होगी, निश्चित रूप से, निश्चित प्रकार से मूल्यांकन कर पाएंगे।
उससे हमारा स्वयं में विश्वास बनेगा अगर अपना सही सही आकलन करते हैं। सही आकलन नहीं करेंगे तो ये सारा फ्लक्चुएशन होता रहेगा जी। तो अभी जो मैंने प्रश्न किया था कि क्या आप देख पा रहे हैं कि यदि मूल्यन अवमूल्यन अवमूल्यन होता है, तो ज्यादातर लोगों ने कहा है कि है ना सहमत हैं। जिन लोगों ने कहा है कि दृढ़ता से असहमत या सहमत, मैं चाहूंगा हैंड रेज करें, और थोड़ा सा अगर कोई आपका क्वेश्चन हो या डाउट हो, हो सकता कोई बात छूट रही हो आप तक ना पहुंच पा रही हो, उसको आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ लें। तो ये स्थिति है अभी हमारे आकलन की, है ना, और इसको अपने आप में भी आप देख सकते हैं, परिवार में देख सकते हैं, बाहर समाज में देख सकते हैं, ये सब घटनाएं हो ही रही है। इसमें सर मैं पूछना चाहूंगा सर, तो फिर हम कैसे माने, कभी कुछ ना किसी के सम्मान में कुछ ना कुछ तो बात कही जाती है, तो फिर उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मतलब वो तो फिर स्वयं की जो समझ है, स्वीकृति, सह स्वीकृति के अनुसार ही वो हो पाएगा कि शायद ये ठीक कह रहा है, ये गलत कह रहा है, वो एनालिसिस करना पड़ेगा ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सम्मान का पूरा मतलब क्या भी समझेंगे उसको, कि सम्मान कैसे होगा इसको समझेंगे, कि वो हर जगह जैसे अभी हम जिसको सम्मान मानते हैं वही बाद में उसका वो अवमूल्यन हो रहा हो, या अधिक मूल्यन है, कम मूल्यन, मूल्यांकन से उसको समझ रहे अलग, जिसको सम्मान समझ रहा है वर्तमान में मान रहा है, तो वो उसको कैसे अपन डिफाइन कर पाएंगे? ठीक बात है, अभी आते हैं जब हम लोग और डिटेल आउट करेंगे ना कि सम्मान का कंटेंट क्या होगा, सम्मान की वस्तु क्या होगी, सम्मान करेंगे तो कैसे आकलन करेंगे, क्या क्या आकलन करेंगे, उस पर आते हैं अभी, बात करेंगे उस पर। जी कमलेश जी ने हैंड रेज किया। जी सर नमस्कार। हाँ सर, आप अपने अभी जो मूल्यांकन के बारे में जो अपन कह रहे थे, तो ये बात फैक्ट है कि जो अपन इसके पहले अल्प विराम लेने के पहले जब अपन थे तो बहुत ज्यादा अपन अपना मूल्यांकन करते थे, अपना आकलन जो करते थे, तो लगता था कि बस हमसे ऊपर जो विभाग में काम करने के लिए है या जो भी जहाँ भी अपन कार्यस्थल में है तो कोई नहीं कर पा रहा। लेकिन जब अपन अल्प विराम वाली विधा से जुड़े तो उसके बाद अपन अपना आकलन कम से कम ही करते हैं, तो वो चीज आती ही नहीं, इस वजह से मैंने उसमें लिखा है कि जो सुने और जांचे उसके बाद ही अपना उसमें कुछ हो करें। जी सर, जी सर। भूषण जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो चूंकि जो ना मैंने इसमें यस कर दिया था, अभी मैं थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग हुई है कि सर मतलब यहाँ पे मूल्यांकन की जो बात हो रही है वो व्यक्ति की अच्छी बातों की ही मूल्यांकन की बात हो रही है, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि जो ना मैं मैथमेटिक्स में कमजोर था तो टीचर ने सही मूल्यांकन करा तो उससे तो मुझे बुरा लगेगा। कहने का मतलब है कि व्यक्ति की अच्छी बातों का ही मूल्यांकन यदि हम करते हैं तो वो मतलब यहाँ पे शायद उसी की बात हो रही है, बुरी बातों का मूल्यांकन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। क्या मैं सही हूँ सर ये? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, अच्छे का भी करेंगे, बुरे का भी करेंगे, और उसके उसके अंडरलाइन जो चीजें उसका भी करेंगे। अभी आते हैं उसपे, अभी आते हैं। बहुत अच्छा, आपका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है, आते हैं उसपे। अंकुर जी, हाँ पहले से रमेश व्यास जी ने हैंड रेज किया हुआ है। जी मैंने थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए बोला, मैंने दृढ़ता पूर्वक पर टिक लगाया है, उसके पीछे एक राज है कि मैं अधिकांश मन संचालन करता हूँ, बस मेरा यही उत्तर है। अच्छा आप समझ रहे होगे। ब्यास जी की बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा एक मिनट सर, अंकुर जी ने थोड़ा हैंड रेज किया था, उनको सुन लेते हैं। जी सर, इसमें जो ये जो अजम्पशंस हैं, फिर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इसमें सर एक बहुत बड़ा फैक्टर फियर का भी होता है क्या? इसका फियर? हाँ फियर, तो देखिए ट्रस्ट अगर नहीं होगा ना तो फियर तो होता ही है। जैसे एक बच्चा मेरे पास आया था, वो CBSE 10th 12th बोर्ड में 96-98% वाला बच्चा था, और जब वो IT की कोचिंग के लिए गया तो वहाँ पे वो उसने देखा कि यहाँ तो 99% वाले बच्चे हैं, और वो सर डर के मारे डिप्रेशन में आ गया, है ना, है ना। डरा, तो मेरे ख्याल से सर फियर मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इसमें वही सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपसे कोई कम है तो ज्यादा आंक लेते हैं, ज्यादा है तो कम आंक लेते हैं, सही क्या है पता नहीं होता। ओके सर। जी जी
कौन बात रख रहे थे, मैं आपको रोका था। जी जी, मैं लखना साठी। जी जी बताएं। ब्यास जी की बात को ही मैं कंटिन्यू करना चाहता था। मैं दो अपने एक एक्चुअल उदाहरण दे रहा हूँ। एक हमारे ऑफिसर हैं, सीनियर आईएएस हैं, तो मैं भी यहाँ मंच संचालन करता छतरपुर में, तो वो उनकी एक शर्त रहती थी, मुझे ही वो सारे प्रोग्राम्स में ले आते थे, कहते थे मुझे कभी मंच पर मत बुलाना, मुझे माननीय कहने में बड़ा कष्ट होता है। और एक दूसरे अधिकारी थे यंग आईएएस जी, उन्होंने कहा नोट शीट में मुझे माननीय भर शब्द मत लिखा था। ये उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव थे माननीय को लेकर, माननीय न कहें। हाँ, एक ने कहा, वो सीनियर थे, कि मुझे मंच पर मत बुलाया करो, मुझे उद्बोधन देना होगा, फिर कुछ लोगों को मुझे बेवजह यहाँ माननीय कहना होगा, उनका अर्थ ये। अच्छा। और एक दूसरे थे जो नोट शीट पे कहते थे, यंग थे बिल्कुल आईएएस, उन्होंने कहा कि यार ये माननीय शब्द इतना मुझे दुखी करता है कि नोट शीट पे मुझे माननीय मत लिखा। नहीं तो माननीय में क्या कठिनाई है, यही सम्मान वाली बात है। नहीं, जो आकलन जो है ना जी, अब एक्चुअल आकलन आप वस्तु तक कर नहीं सकते। आप कहते ना कि सम्मान वही है जब बस ओरिजिनल आकलन करें। व्यास जी कह रहे थे अभी, वही वो बात कह रहे थे कि क्या हम वस्तुता जो व्यक्ति जैसा है वैसा आकलन कर सकते हैं, कह सकते हैं, कर तो सकते हैं, करते ही है सब, लेकिन ऐसा कह सकते वस्तुता कैसा है वो समझने की बात है, उसको भी और डिटेल आउट करें तो क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो हम जाकर कहते तुम चोर हो, ये उसका सही आकलन हो गया, उदाहरण के लिए, है ना। तो हम ये बात को समझेंगे कि जो व्यक्ति चोरी भी कर रहा है वो समझ के अभाव में चोरी कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति चोरी भी कर रहा है, अगर आप उसे जाकर कहें कि आप चोरी करते हो क्योंकि आपके पास आवश्यकता से कम सुविधाएं हैं और आपके पास अभी और कोई बेहतर विकल्प नहीं, इसलिए आप करते हो, परंतु बेहतर विकल्प मिल जाए तो आप इसे बेहतर विकल्प को चुनोगे, तो उस व्यक्ति को फिर आपके साथ कम्फर्ट फील होगा, आराम महसूस होगा। अगर किसी चोरी करने वाले व्यक्ति को हम चोर कहें, इसका सही आकलन नहीं हुआ। सही आकलन का अर्थ क्या है, अभी बात करेंगे, थोड़ा डेढ़ बज गया, समय हो चला है, तो मुझे लगता है एक स्टेटमेंट लेते हैं, एक कमेंट या क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जी, अनीता जी ने हैंड रेज किया है, इसको हम लोग फिर 3 बजे से कंटिन्यू करेंगे इसी चर्चा को। जी अनीता जी। जी, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगी, चूंकि लखन जी की सरसे की बात से मुझे याद आया, अभी उन्होंने माननीय शब्द इस्तेमाल किया था कि बोलना पड़ेगा इसलिए मुझे ना बुलाया जाए। इसी तरह का एक अनुभव मेरे पास है कि 2015 से 2017 तक लगभग 2 साल मैं कॉलेज में प्राचार्य थी, प्रभार में थी, तो जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा वंदन होता था तो जो एनसीसी के हमारे प्रोफेसर होते थे, जो इंचार्ज प्रोफेसर होते थे, तो वो एक परंपरा रहती थी कि ड्रेस में आना है और उन्हें सैल्यूट करना है। तो हमारे एक साथी थे तो वो उस समय किसी ना किसी कारण से आते ही नहीं थे, कुछ ना कुछ कारण लगा देते थे, और उसके पीछे बाद में मालूम पड़ा कि मुझे एक महिला को सैल्यूट करना पड़ेगा इसलिए मैं ड्रेस में आऊंगा ही। अच्छा। ये बात बाद में मालूम पड़ी मुझे, और जब 3 बार लगभग ऐसा हुआ तो बस अभी जो शब्द आया उससे कि माननीय ना कहना पड़े, उससे मुझे अपना अनुभव ये याद आया। जी, थैंक यू जी। नाइस। तो हम लोग इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, इसका 1:30 बजे का समय हो गया है, हम लोग इस चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं और 3 बजे फिर शुरू करेंगे। दिलशाद भैया, कुछ आपकी तरफ से कोई सूचना हो, कोई कमेंट हो? नहीं भैया, टाइम हो गया है, हम लोग रोक सकते हैं, काफी अच्छी चर्चा चल रही है और अभी सम्मान बस ओपन ही हुआ है, अभी तो काफी डिस्कशन इसमें बाकी है। हमारे साथ सुमानी सर भी जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ क्लोजिंग रिमार्क रखना चाहें यहाँ पर। जी, सत्य प्रकाश ने भी हैंड रेज किया है। जी सर। नहीं भैया, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ अपने सभी प्रतिभागी साथियों से कि आपके आज के असाइनमेंट का जो लिंक है वो 1:30 बजे के बाद खुल जाएगा, और कल 9:30 के पहले अगर हम सब लोग जमा कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसके बाद वो बंद हो जाता है,
तो सुबह मुझे सबको याद दिलाना पड़ता है, कुछ लोगों के बच्चे गुम हैं, बस इतना ही कहना था मुझे। जी सोमानी सर कुछ कहना चाहें अपनी तरफ से? सम्मान मिला है जी सभी को अपने कुछ रिफ्लेक्शन टेक अवे और गाइडलाइंस बताने के लिए। थैंक यू जी। नमस्कार सर, स्वागत। नमस्कार, मुझे लगता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं और जो इससे पहले वाला सत्र था वो भी बिल्कुल ठीक था। मुझे लगता है आप अपनी बात कंटिन्यू करें और जिस तरीके से बीच में हम लोग रिफ्लेक्शन लेते हैं या शेयरिंग करते हैं तो वही शेयरिंग करें, पर हमारा जो पॉइंट है पहले उसको एक बार हम कंप्लीट कर लें कि हम कहना क्या चाहते हैं और फिर उस पर शेयरिंग लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हम निरंतर आगे भी बढ़ते रहेंगे और हमारी समझ भी विकसित होती चली जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है। थैंक यू। तो अभी 2-3 मिनट है फॉर्मली सेशन शुरू करने में, हमारे साथी अभी जुड़ी रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि बाकी साथियों को भी आप एक बार इंटीमेट कर सकते हैं कि सेशन स्टार्ट हो रहा है, हो चुका, और बाकी तब तक कोई अगर आप शेयरिंग रिफ्लेक्शन रखना चाहें या कोई प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं। गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्ते। नमस्ते विजय सर, नमस्ते, स्वागत है सर। अभी कुमार सर जब बता रहे थे तो अपराधी और अपराध के संदर्भ में चाहना के और इच्छा के संबंध में कुछ कह रहे थे, उस समय वो कंटिन्यूटी में जल्दी से निकल गया वो विषय, तो अगर कुछ थोड़ा सा उस पर अभी डाल सके एक दो मिनट में प्रकाश। जी बात ये हो रही थी ना, नमस्ते सभी को, हम लोग इस तरफ शुरू करेंगे। बात ये हो रही थी कि अगर हम एक अपराधी को भी देखें तो एक मनुष्य हमारी तरह, उसकी चाहना भी वैसी है, उसकी सहस्वीकृति भी वैसी जैसी हमारी, उसकी कंडीशनिंग गलत हो गई है, मान्यताएं गलत बन गई हैं, तो जो कल्पनाशीलता है उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा उसकी सहस्वीकृति से गाइडेड है, बाकी वो बहुत सारा जो कल्पना चल रहा है ना मान्यताओं और संवेदनाओं के आधार पर चल रहा है, इसलिए वो अपराध कर रहा है। अपराध का मतलब यही है कि उसकी कल्पनाशीलता गलत दिशा में चली गई है, अपराध की दिशा में चली गई है। उसकी चाहना वैसी ही है जैसी हमारी, परंतु है ना शिक्षा के अभाव में, संस्कार के अभाव में जी उसकी कल्पनाशीलता गलत दिशा में चली गई है। सर पर उसकी चाहना को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं उसकी चाहना तो एकदम सही है जैसी दूसरे लोगों की है, प्लस सभी के एक समान है, ऐसे उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? देखिए वो बहुत सिंपल है, जैसे कोई अपराधी है ना, अभी लेटर से उसकी उम्र 25 साल है, ठीक, उससे 20 साल पहले देखें तो एक मासूम बच्चा था, है ना। अब उसको परिवार में सही संस्कार न मिले, चारों तरफ सही वातावरण न मिले, सही शिक्षा न मिले, तो सुखी होने के लिए, समृद्ध होने के लिए वो खुद से कुछ ना कुछ तो प्रयास करेगा। प्रयास गलत दिशा में हो गया, वातावरण के प्रभाव में हो गया, गलत शिक्षा मिल जाने से या शिक्षा के अभाव में हो गया, परिवार में जो संस्कार मिला उसके दबाव में हो गया और कहीं से कहीं पहुंच गया। ये तो हम सबके साथ हो सकता है, जैसे अभी हम अपने बारे में देखें तो जिस तरह का हमको परिवार मिला, जिस तरह का परिवेश मिला, उसमें हमारा एक तरह से संस्कार बना। अगर जैसा एक अपराधी को वातावरण मिला वैसा अगर हमें मिल जाता तो काफी हद तक हमारा भी वैसे ही प्रभाव बन जाता हमारे ऊपर। तो मानव के रूप में देखें तो मैं भी वैसा हूँ जैसा वो अगला व्यक्ति, मैं भी एक चैतन्य इकाई हूँ, सेल्फ हूँ, बॉडी के साथ कोएग्जिस्ट करता हूँ, वो भी एक सेल्फ है, चैतन्य इकाई बॉडी के साथ कोएग्जिस्ट करता है। जो सेल्फ में इनपुट मिला शिक्षा के द्वारा, परिवार के द्वारा, वातावरण के द्वारा, समाज के द्वारा, वो सही नहीं मिला, इतनी बात है। और अगर हम अपने आप को देखें तो हमें भी पूरी तरह से सही नहीं मिला, इसलिए आप देखिए तो अपनी कल्पनाशीलता की भी लगभग वैसी स्थिति है जिसमें बहुत सारे मान्यताओं संवेदनाओं का दबाव है, इसलिए हम भी बहुत सारा ऐसा विचार करते हैं जो अपराध की श्रेणी में आ सकता है। इतना ही है कि किसी के विचार मात्र में है, किसी के व्यवहार में चला गया, किसी की और आगे बढ़ के सीमा पार कर गया तो क्राइम बन गया। जैसे जिस व्यक्ति के अंदर सुविधा की आवश्यकता की समझ नहीं होगी वो तो व्यक्ति दरिद्र होगा,
जो दरिद्र होगा वो दूसरे का शोषण करेगा, उस शोषण को करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, कोई सीधे सीधे छीनता है, कोई छल कपट करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ये सारे अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली देखें तो समझ का विकास ना होना ये मुख्य समस्या है, और समझने की क्षमता हर एक में, हम इसको और इवैल्यूएट करेंगे अभी आगे बढ़ेंगे तो दिखता है समझने की क्षमता हर मानव में, समझना भी हर मानव चाहता है, बस इतना ही कंडीशनिंग अलग अलग है। आप जिस तरह के परिवार में पले बढ़े आपकी एक प्रकार का बन गया कल्पनाशीलता का पूरा ये कहें कि है ना जो योग्यता बनी एक प्रकार की बनी, कोई व्यक्ति दूसरे परिवार में पला बढ़ा उसकी एक प्रकार की योग्यता बनी, हर व्यक्ति अपने अपने प्रकार की योग्यता बन गई। कहीं पे अगर सही वातावरण न मिले, सही शिक्षा न मिले, सही संस्कार न मिले तो अपराध की श्रेणी में चला गया, इतना ही है। जी सर, थैंक यू सर, क्लियर पे हो पाया। जी सर, नौ भावों का उद्गम स्थल मुझे लगता है मैं से हो रहा है, और हम लोग राजानंद संस्थान में मैं का आशय अपनी अंतरात्मा या हृदय से लगाते, तो ये सभी नौ भाव जो है, नौ भावों का स्रोत हमारा अंतर्मन ही है। आप लोगों की भाषा में यदि हम समझे तो ये मैं से है। देखिए, मैं और सहज स्वीकृति ये दो अलग चीजें, अंतर्मन जिसको कह रहे हैं या जिसको अंतरात्मा कह रहे हैं उसको सहज स्वीकृति कहना ज्यादा ठीक है। मैं तो एक इकाई हूँ, एक चैतन्य इकाई हूँ, मुझ में वो सहज स्वीकृति है, मुझ में वो अंतरात्मा है जिसको कह रहे हैं, मेरा एक पोटेंशियल है, मैं तो चैतन्य इकाई हूँ। जी उषा व्यास जी कुछ कहना चाह रही है। जी उषा नो सर, सॉरी सर। ठीक है, तो हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग सम्मान के भाव पे बात कर रहे थे, सुबह विश्वास की चर्चा की शुरू हुई थी, और सम्मान का मतलब समझ में आया कि सम्मान मतलब सही आकलन, ठीक ठीक मूल्यांकन होना, और ये शब्द से ही अर्थ निकल आता है सम्यक, सम्यक मतलब ठीक ठीक, मापना मतलब आकलन करना। ऐसा नहीं करते तो तीन तरह से गलतियां करते हैं, और तीनों ही अपमान की श्रेणी में आते हैं, अधिक आंक लेते हैं, कम आंक लेते हैं, अन्यथा आंक लेते हैं। और सम्मान देखें तो हर व्यक्ति की आवश्यकता है, ये और बात है कि समझ के अभाव में हम ये तीन तरह की गलतियां करते रहते हैं, अपमान करते रहते हैं, अपना भी दूसरे का भी। अगर अपना अधिमूल्यन कर लिया तो ये अपना अपमान है, दूसरे कर दिया दूसरे का अपमान है, अपना अवमूल्यन कर लिया अपना अपमान है, दूसरे कर दिया दूसरे का अपमान है, वैसे यहाँ भी अवमूल्यन के मामले में दिखता है। सम्मान हर एक को चाहिए, बच्चे को भी चाहिए, वयस्क को भी चाहिए, बुजुर्ग को भी चाहिए। अगर हम अधिमूल्यन करते हैं तो ईगो में चले जाते हैं, अहंकार में चले जाते हैं, अंडर रिवेल्यूशन करते हैं, अवमूल्यन करते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, और इसके बीच में फ्लक्चुएशन चलता रहता है। अन्यथा मूल्यांकन करते हैं तो भी अवसाद में चले जाते हैं। सम्यक आकलन करते हैं तो हमारे अंदर स्वयं में विश्वास बनता है, अन्यथा ये सब अपने अंदर है ना गलत मान्यताएं बन जाना, समझ के अभाव में उससे स्वयं में अव्यवस्था होना, तनाव होना, निराशा होना, अवसाद होना, सब चलता रहता है। तो सही आकलन सेल्फ के आधार पर होगा या बॉडी के आधार पर, क्या लगता है? आपका रिफ्लेक्शन लेते हैं जरा, यहाँ पे किसके आधार पर होगा, स्वयं के आधार पर या शरीर के आधार पर? स्वयं के आधार पर, स्वयं के आधार पर। चाहे तो आप चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी यहाँ तो कर ही दें, है ना, जो पोल रेज किया गया तो स्वयं के आधार पर होगा। बहुत अच्छा, सभी लोग ऐसा ही व्यक्त कर रहे हैं कि स्वयं के आधार पर होगा। स्वयं के आधार पर जब आकलन करने जाते हैं तो एक बात तो ये दिखता है कि हम सबकी चाहना समान है, लक्ष्य समान है। तो मैं भी निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता हूँ, दूसरा भी सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है, मैं भी दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता है, तो हम सबकी सह स्वीकृति एक समान है। ये जो अभी हमने आपसे प्रश्न किया था, सभी ने यही उत्तर दिया है 100% कि स्वयं के आधार पर मूल्यांकन होगा, ना कि शरीर के आधार पर। अभी दिखाई देगा कैसे कैसे हम गलतियां करते हैं मूल्यांकन में, जब हम शरीर मान लेते हैं अपने आप को या दूसरे को। जी तो चाहना को देखें तो हम सभी एक समान है, चाहने में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं,
और थोड़ा देखें तो दिखता है कि कार्यक्रम भी मेरा और अगले व्यक्ति का एक ही समान है। जैसे मैं अपने अंदर जांच पर रख करके जीने के हर स्तर पर व्यवस्था को समझ के सुखी होता हूँ, वैसे अगला व्यक्ति भी है, कोई अंतर नहीं है। मैं भी सुखी होऊंगा तो समझ कर ही होऊंगा, सुविधा से नहीं होऊंगा, कोई मान्यता से नहीं होऊंगा। दूसरा भी सुखी होगा तो समझ कर ही होगा। ये बात अपने को दिखनी जरूरी है कि चाहे मैं रहूं चाहे मेरे परिवार का कोई अन्य व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कि मैं तो समझ के सुखी होऊंगा, दूसरा मेरे दबाव में सुखी हो जाएगा, मेरे डांट फटकार से सुखी हो जाएगा, मेरे शासन से सुखी हो जाएगा, या उसको मैं पैम्परिंग करूंगा तो उससे सुखी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। मैं भी समझ कर ही सुखी होता हूँ, अगला भी समझ कर ही सुखी होता है। और समझने के यही मुद्दे हैं, व्यक्ति को समझना, परिवार को समझना, समाज को समझना, प्रकृति अस्तित्व को समझना। बट यहाँ पे एक आपका रिफ्लेक्शन लेते हैं। मैं देख पाता हूँ कि निरंतर सुख समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक का एक ही कार्यक्रम है, क्या लगता है? इस बीच किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, कोई प्रश्न हो, या आपने अभी ब्रेक के समय कुछ और विचार किया, कुछ आकलन किया, कोई बात आपको समझ में आई तो शेयर भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने आज कुछ बात रखी नहीं है, मैं उनका नाम पुकार लेता हूँ। सतीश दुबे जी, जी बात ठीक जा रही है, समझ में आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही। सतीश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, मुझे लगता है आप कनेक्टेड तो हैं, अच्छी बात है। आपका कोई प्रश्न सतीश जी? प्रेमलता जी, प्रेमलता जी की तरफ से भी आज कोई शेयरिंग नहीं आई है। श्रीमती अंजना जी, अंजना जी, विजय कुमार जैन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अंजना जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, सतीश जी अपना रिप्लाई दे सकते हैं क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। सतीश जी सुन पा रहे हो तो शायद उनके कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। जी इसमें 28 लोगों ने कहा है कि सभी का समझने का मतलब सभी का सुखी होने का एक ही कार्यक्रम है, परंतु 6 लोगों ने कहा है कि ऐसा नहीं है। तो जिन लोगों को लगता है ऐसा नहीं है थोड़ी अपनी बात रखें तो उनकी बात और समझ में आएगी, क्यों ऐसा कह रहे हैं, उनके अंदर क्या विचार चल रहा है। प्रश्न किया गया था कि मैं देख पाता हूँ कि निरंतरता में सुख समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मैं का एक ही कार्यक्रम है, 6 लोगों ने कहा है कि ऐसा नहीं है। तो मैं उनमें से किसी का जी किसी का अगर कोई इस पे कोई स्टेटमेंट हो, कोई शेयरिंग हो तो अपनी बात रख सकते हैं, क्यों ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये दिखता है कि सुखी होना अपने आप में एक निश्चित बात है। ऐसा नहीं है कि मेरा सुख एक प्रकार का, अगले का सुख अलग प्रकार का, तीसरे का सुख अलग प्रकार का, सबका सुख वही है, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना। ये बात कितने लोगों को दिख पा रही है कि सबका सुख एक ही है, ऐसा नहीं कि सभी का सुख अलग अलग होता है, ये दिख पा रहा है? क्या लगता है सबका सुख एक ही है या सबका सुख अलग अलग है? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ओके, सतीश दुबे जी कह रहे हैं अलग अलग है। ओके सतीश जी, शायद मेरी पूरी बात आप तक पहुंच नहीं पा रही है। मुकेश शर्मा जी आपसे पूछते हैं, बताइए क्यों लगता है कि अलग अलग है? साधना जी करें एक ही है, राजेंद्र जी करें एक ही है, मुकेश शर्मा जी बताइए क्यों लगता है अलग अलग है? ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जब तक आप इसमें प्रश्न स्वयं नहीं करेंगे। जी मुकेश जी, मुकेश जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है।
प्रेमलता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परंतु प्रेमलता जी ने लिखा है कि अलग अलग है, शायद मेरी बात अभी उन तक भी नहीं पहुंची है। इनफैक्ट इसीलिए कनेक्टेड रहना और पूरी बात को सुन पाना। हाँ, सुष्मिता जी ने एक अच्छी बात लिखी कि समझ की सीमा अलग अलग है, किसी ने कम समझा, किसी ने ज्यादा समझा, योग्यता अलग अलग है, ये बात तो है, ये ठीक है, सुष्मिता जी का कहना ठीक है। प्रेमलता जी कुछ कहना चाह रही शायद। जी जी सर, नमस्कार। नमस्ते भैया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने लिखा है कि सबका सुख अलग अलग होता है, क्योंकि आपकी रुचि के अनुसार आपका सुख होता है। आप, मैं हूँ तो मुझे कविता लिखने में सुख प्राप्त होता है, या मेरे शौक अलग अलग हैं, तो जो मेरे शौक जब पूरे होंगे तो मुझे उसमें सुख प्राप्त होगा, लेकिन मेरी बहन के, मेरे भाई के या मेरे पड़ोसी के, उनके जो सुख होंगे उसका वो एक पैरामीटर अलग होगा सबका अपना अपना, तो वो देखने का तरीका है, और मतलब अपने शौक के आधार पर मुझे लगता है सुख होता है। जी, इसीलिए मैं उन लोगों को जरूर नाम पुकारता हूँ जो लोग शेयर कम कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी बातें आप तक ना पहुंच पा रही हो। सुख को उन्होंने परिभाषित किया था, आपने देखा था प्रेमलता जी, सुख को हमने परिभाषित किया था। प्रेमलता जी, आपसे ही मैं कह रहा हूँ। जी, बीच में मेरा कनेक्टिविटी गड़बड़ हो गई थी, मैंने फिर से अभी किया है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, सुख को हम लोगों ने परिभाषित किया था क्या, आपने देखा था? नहीं देख पाई भैया मैं वो। अच्छा, तभी तभी, ओके ठीक है, उसको थोड़ा सा आपको एक बार, अगर ये बाद में ना एक बार रिकैप कर लें, तो जी, सुख को परिभाषित किया गया था और यही निकल कर आया था कि सही को समझना, यानी कि व्यवस्था को समझना, सामंजस्य को समझना, संगीत को समझना और संगीत व्यवस्था में जीना, यही सुख है जी, ये निकल कर आया था। तो अगर वैसा हमको समझ में आता है ना, दिखता है कि हर एक का सुख एक ही है। आपने जो बात कही उससे ये पकड़ में आया कि अभी पूरी बात आप तक नहीं पहुंच पाई। जी ठीक है, आगे चलते हैं। सबका सुख, जैसे मेरे समझ से सबका सुख अलग अलग है, तो फिर वो व्यवस्था में नहीं जी रहे, वो जी संगीत जी में नहीं है फिर उनका जीवन। जी, संगीत में नहीं है, ठीक बात है। बालवीर जी को काफी ध्यान से बात पकड़ में आ रही है, अच्छी बात है। और आगे देखेंगे तो पोटेंशियल भी देखेंगे, तो हर मानव में एक ही जैसा क्षमता, जैसे मेरे अंदर भी इच्छा हो रही है, आपके अंदर भी इच्छा हो रही है, अगले व्यक्ति के अंदर भी इच्छा हो रही है। मैं हूं यानी मुझ में इच्छा होगी ही, विचार होगा ही, आशा होगी ही, ये क्रियाएं जो है ये हर मानव में है, हर सेल्फ में है, हर मैं में है। हाँ, इच्छा की वस्तु अलग अलग होगी, किसी के अंदर इच्छा है सुविधा को लेकर होगी, किसी के अंदर इच्छा किसी पद को लेकर होगी, किसी को धन को लेकर, किसी के अंदर समझ को लेकर होगी। इच्छाएं अलग अलग प्रकार से, पर इच्छा की क्रिया हर एक के अंदर है, विचार की क्रिया हर एक के अंदर है, आशा की क्रिया हर एक के अंदर है और निरंतर है, और हर एक के अंदर सहज स्वीकृति है, यानी हमारी क्षमता भी समान है। बट इसको आप और थोड़ा ना आकलन करें, मैं आपके रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ उसके ऊपर। मैं देख पाता हूँ कि निरंतर सुख समृद्धि से रहने के लिए है ना, हर एक में समान क्षमता है। इसको देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, इसको थोड़ा सा आकलन करिए। जी, दो लोगों ने हैंड रेज किया है, लखन लाल जी। जी बताएं। जी मैं बस इस बात को लेके कि सबका सुख अलग अलग है, ऐसा अभी बात आ रही थी, तो मुझे लगता है कि सुख तो सबका एक ही है। हाँ हाँ, मैंने नहीं कहा कि अलग अलग है, मैंने नहीं कहा कि अलग अलग, आपकी बात नहीं कर रहा, प्लीज प्लीज, आप लोगों से तो हम लोग सीख रहे हैं। तो मैं जो बात कर रहा था, जैसे मान लीजिए तिरुपति बालाजी मंदिर, कोई 500 की टिकट लेके जाता है, कोई 5000 की, कोई निशुल्क जाता है, कोई भीड़ से। आपको अभी रोकूंगा, अभी रोकूंगा, अभी वहां ना जाते, क्या होता है, इसे डाइवर्जन हो जाता है। नहीं नहीं, मैं एक मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। जैसे जब हम जो हमारा लक्ष्य वहां तक पहुंचते हैं, तो ये जो सुविधा है उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है, वहां वहां सबको एक सा ही आनंद आ, ये मैं कह रहा, बीच के साधन सारे समाप्त हो जाते। मैं थोड़ा भिन्न बात कह रहा हूँ। देखिए क्या हुआ कि ये जो साधन है, यानी कि जो कार्यक्रम है, वो भी व्यवस्था को समझना है, जो लक्ष्य है वो भी व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना है। तो जब हमको सही दिखता है तो साधन और साध्य एक हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ये जो पैरेलल एग्जांपल्स लाते हैं ना हम, उसमें फिर कहीं ना कहीं बात रखने में क्लैरिटी कम रह जाती है। जी, तो उसको जैसा वैसा देख लें।
ठीक है, अभी आपका रिफ्लेक्शन आ रहा था उसको मैं एक बार स्टडी कर लेता हूँ क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है। ओके, तो 24 लोगों ने कहा है कि हर एक के अंदर वही क्षमता है, 4 लोगों ने कहा है कि नहीं क्षमता अलग अलग है। जिन लोगों ने कहा अलग अलग है उनका थोड़ा रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, कोई अगर अपनी बात रखना चाहे। मनु दीक्षित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी मनु जी, जिनको लगता है कि क्षमता अलग अलग है उनका थोड़ा मैं सुनना चाहूंगा, ऐसा क्यों लग रहा है? जिन लोगों ने लिखा है कि क्षमता अलग अलग है वो अपनी रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, अपनी बात यहां रख सकते हैं। अभी शायद मेरी बात नहीं पहुंच पा रही उन तक, तो ये देखना शुरू करें और जांचें। ऐसा नहीं कि मेरी कह देने से आपको मान लेना है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आप अपनी क्षमता के प्रति, अपने कार्यक्रम के प्रति, अपने पर्पज के प्रति आश्वस्त हो पाएंगे कि आपका लक्ष्य क्या है, कार्यक्रम क्या है, क्षमता क्या है। और आपको दिखाई देगा कि जो परिवार में दूसरे लोग हैं उनके साथ भी यही बात लागू होती है, परिवार के जो बाहर के लोग हैं उनके साथ भी यही बात लागू होती है। तो दिखता है थोड़ा सा जांच परख करके कि इन तीन आयामों में यानी लक्ष्य, कार्यक्रम और क्षमता, हम सभी एक जैसे हैं, यानी दूसरा मेरे जैसा है। ये सम्मान का न्यूनतम भाग है। इन तीन आयाम में तो हर व्यक्ति मुझे अपने जैसा दिखाई देता है। ये बात ठीक है कहना, चैट बॉक्स में बताइए। जी दोपहर का समय है, 3 बजे से अधिक का समय हो गया है, अगर आपने भोजन थोड़ा अधिक ले लिया होगा थोड़ी नींद आ रही होगी। जी लखनलाल जी बताएं, कुछ लोगों के रिफ्लेक्शंस नहीं आ रहे, कुछ लोगों के आ रहे हैं। जी लखन जी बताएं, ठीक है, कई लोगों को बात दिख पा रही कि हाँ दूसरा मेरे जैसा है। सभी लोग रिप्लाई करेंगे तो ठीक रहेगा रिफ्लेक्शन, क्योंकि काफी कम ही लोग कर रहे हैं उसको, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग रिप्लाई करें। देखिए डायलॉग का प्रोसेस है ये, है ना, थोड़ा सा आफ्टरनून में चर्चा कर पाना थोड़ा कठिन पड़ता होगा यदि भोजन ज्यादा हो जाए, परंतु अगर ध्यान देंगे तो बात पकड़ में आएगी। तो अदर इज सिमिलर टू मी, ऐसा अपने को दिखाई देता है। ये भैया ऐसा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है। जी बहुत अच्छा अंतर। तो ये मिनिमम कंटेंट है रिस्पेक्ट का, न्यूनतम भाग है सम्मान का। इन तीन आयाम में तो मुझे हर व्यक्ति अपने जैसा दिखाई देता है। फिर आगे और थोड़ा देखें तो स्वयं के अवसर पर समानताएं हैं। जीने में क्या हम दूसरे को अपने जैसा स्वीकार करने का प्रयास करते हैं या अपने को दूसरे से भिन्न प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, क्या लगता है? इस पर रिफ्लेक्शन लेते हैं आपका। अभी जीने में क्या आता है, हम दूसरे को अपने जैसा स्वीकारते हैं या अपने को दूसरे से भिन्न बताने का प्रयास करते हैं? कई बार आएगा ना कि हम अपने आप को दूसरों से अधिक बताने का प्रयास बहुत सारा करते हैं, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, सुविधाएं जुटाते हैं ताकि हम दूसरे से अपने आप को भिन्न बता पाए। अभी आप देखिए वो बच्चे जब फर्स्ट ईयर में क्लास में आते हैं ना तो सबके हेयर स्टाइल एक तरह के होते हैं, थोड़ा समय बीतते बीतते कुछ बच्चों का हेयर स्टाइल बदलने लगता है, तो किसी का बाईं तरफ से बाल पूरा गायब हो जाएगा, ऊपर में सिर्फ खड़ा रहेगा बाल, किसी का है ना कोई दूसरा हेयर स्टाइल बन जाएगा। अभी क्या प्रयास है, ये विशेष बनने का प्रयास है कि मेरा जो हेयर स्टाइल है कुछ विशेष है, कुछ खास है, दूसरों से भिन्न है। गोल सबमिट नहीं हो रहा सर, गोल सबमिट नहीं हो रहा है। हेलो जी, दोनों ने हैंड रेज किया। जी गणेश जी बताएं। हां सर, ये जो नहीं है ओपन करिएगा। जीने में जो है हम अपने को दूसरों से भिन्न प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। जी जी है ना, और यहाँ ऐसा लगता है कि हम मतलब सहज स्वीकार्यता नहीं है वहां पर, समझ की कमी के कारण ऐसा हो सकता है या कौशल के कारण हो सकता है। वही तो, कम से कम इन तीन आयाम में तो हम अपने को दूसरे जैसा देख सकते हैं।
जी है ना, चाहे हम जिस ऑफिस में काम करते हो उस ऑफिस के गेट पे खड़ा हुआ वॉचमैन हो, या फिर हमारा नीचे काम करने वाला कर्मचारी हो, या हमसे ऊपर बैठा हुआ बॉस हो, हर एक के बारे में देख सकते हैं दूसरा मेरे जैसा है, इन तीन आयाम में है ना, लक्ष्य में, कार्यक्रम में और क्षमता में। लेकिन वास्तव में जो है हर व्यक्ति एक से दूसरे को सिर दिखाने का प्रदर्शित करता है जी। सामान्यतः तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है अपने आप को विचार श्रेष्ठ बताने का प्रयास करता है, और इसी श्रेष्ठ बताने के चक्कर में जो है वो भिन्नता होती है, अलग से दिखाने की कोशिश करता है। सारे जी कुछ कह रहे हैं, मनसारे जी कुछ कहना चाहिए। सर आवाज आ रही है? आ रही है हाँ। सर व्यक्ति क्या है कि अन्य लोगों से अपने को श्रेष्ठ समझना चाहता है, और वो उनसे डिफरेंट दिखना, जो उसकी पहचान बने, एक अलग दिखे, 100 लोगों की भीड़ में से एक व्यक्ति एक विशिष्ट दिखे, मतलब वो एक भाव मन में रहते हैं कि मैं सबसे अलग दिखूं और मेरी एक अलग पहचान हो, ये चाहते हैं जी। बहुत सारा उसके लिए ऊर्जा लगाते हैं लोग, उसके लिए सुविधा जुटाते हैं जी। इसमें ये है सर कि मैं मानता हूँ कि अपने को अलग प्रदर्शित करने पर व्यक्ति क्या है कि फिर वो लीक से हटके काम करता है, और आप कहने चाहिए सहज स्वीकृति, जो सर्वमान हो उससे हटके काम करेगा तो फिर वो व्यवस्था में नहीं रहेगा, वो वो फिर मतलब डिफरेंट मतलब तरह की एक्टिविटी होगी, तो फिर उसको इस प्रकार का फिर हम सहज स्वीकृति में नहीं मान सकते जी। मैं एक घटना के लिए शेयर करना चाहूंगा जी सर, कि आपने अभी कॉलेज की हेयर स्टाइल की बात की, जब मैं रैकिंग लेता था तब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने रैकिंग क्यों ली, क्योंकि मेरी रैकिंग हुई थी तो मैं रैकिंग लेता था, और ये प्रयास करता था कि लोग अब मुझे पहचान जाए और मुझे दूर से विश करें, तो अब यहाँ मेरा क्या भाव था वो मुझे उत्तर दे रहा है, पर आपके सेशन के साथ मैं कैसे जोड़ूं कि आप बताइए। देखिए जब हमको संबंध समझ में नहीं आता ना, तो हम कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर शासन करने को ही श्रेष्ठता मानते हैं, संबंध मानते हैं, और उसमें बहुत सारा प्रयास करते हैं, इनफैक्ट स्वयं में भय रहता है, विरोध और संबंधों में विरोध रहता है, व्यवहार में विरोध रहता है। तो ये जो रैगिंग है, अगर आप सीनियर बच्चों से पूछें तो जूनियर से डरे हुए रहते हैं, और कई बार सीनियर बच्चे कहते हैं कि अगर हम रैग नहीं करेंगे तो कल को हमारे ऊपर ही डोमिनेट करेंगे, हमारे से आंखें ना हमको आंखें दिखाएंगे, ये फियर रहता है, ये कोई रिलेशनशिप थोड़ी है। तो स्वयं में विश्वास का भाव रहता है, और इसलिए दूसरे का अवमूल्यन करके अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम बनाया जाता है, ये रैगिंग उन्हीं में से कार्यक्रम है। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि जब कोई हमारे कॉलेज में कोई यंगर बैच आया है तो क्यों ना उसका स्वागत किया जाए, उसको अपने परिवार का सदस्य के रूप में स्वीकारा जाए, अभी ऐसा नहीं हो पाता कई बार जी। मनसारे जी कुछ कह रहे थे, संबंधों के रूप में देख पाऊंगा, थैंक यू जी सर। पहले किया हुआ है? अच्छा ठीक है सर, मैं एक निवेदन करूं सुधीर आचार्य जी। जी सर, मुझे लग रहा है कि हूं मैं ही, लेकिन कहने वाला अलग व्यक्ति है और करने वाला अलग व्यक्ति हो जाता है। हम सैद्धांतिक रूप से तो, जैसे यहाँ पर भी आप सैद्धांतिक रूप से पूछेंगे तो शायद हम एक बुद्धि से जवाब दे रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पे जो चीजें आप बता रहे हैं वो होना चाहिए। और अब थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है कि मैं शार्प हो रहा हूँ आपके साथ, अब मैं बहुत सोच समझ के जवाब दे रहा हूँ कि ये जवाब मेरा सही जाना चाहिए, मैं जवाब सही जाना चाहिए उसके लिए जवाब दे रहा हूँ, जबकि मैं अपने अंतर झांक के जवाब नहीं दे रहा हूँ। धन्यवाद जी। जी बिल्कुल, तो अपने अंदर झांकने की जरूरत, इसलिए जो प्रश्न रखा गया ना कि अभी मैं जीने में कैसा हूँ, तो हो सकता है ज्यादातर वो लिखा है कि दूसरे को अपने समान स्वीकारता हूँ, बट हो सकता है न स्वीकार पाते हो, तो और आकलन करें है ना। अगर मुझे लगता है कि मैं भिन्न हूँ तो मैं उसको भी देखूं कि मैं क्यों भिन्न मानता हूँ अपने आप को। ये आपके साथ शेयर किया था मैंने, इसको मैं रोक लेता हूँ जी, थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ से। तो अभी हम सम्मान को जब नहीं समझते तो भेद करते हैं दूसरे से अपने आप को अलग बताने के लिए। भेद का एक तरीका है कि हम शरीर के आधार पर भेद करते हैं, जैसे आयु के आधार पर किसको अधिक सम्मान मिले, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, किसको मिले। तो बच्चों को लगता है, जैसे आज के बच्चों को आप देखिए है ना, अब वो इतने सारे एप्स चला लेते हैं मोबाइल में कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति तो चला ही नहीं सकता,
तो बच्चों को ये लग सकता है कि अरे ये तो पुराने लोग हो गए, इनको क्या आता पता है कि मोबाइल क्या होता है और इसमें एप्स क्या होते हैं। ठीक, तो बच्चे अपना एक तरह से मूल्यांकन करते हैं, अधिमूल्यन कर लेते हैं। बुजुर्ग सोचते हैं कि ठीक है अभी दुनिया देखी कहाँ है तुमने, जब दुनिया में बाहर निकलोगे तो समझ में आएगा। तो बुजुर्ग एक तरह सोचते हैं, यंग आदमी सोचता है कि परिवार तो मैं ही चला रहा हूँ, है ना, इनको क्या पता आज के जमाने में कैसे कमाया जाता है, तो वो अपना अधिमूल्यन कर लेते हैं। अभी हम आयु के आधार पर अपना अपना गलत आकलन कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, भेद कर लेते हैं। सम्मान हर एक को चाहिए। जैसे आप अगर थोड़ा सा घर में ऑब्जर्व करें तो बच्चे को सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या लगता है? चैट बॉक्स में बता सकते हैं, बच्चे को सम्मान चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए 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 चाहिए। अब जैसे आप देखिए घर में कोई गेस्ट आते हैं और कोई बच्चा हो, वो तुरंत गेस्ट रूम में आ जाएगा, क्यों आ जाता है? बच्चे को चाहिए कि उसका भी इंट्रोडक्शन हो। जब सब में सबका इंट्रोडक्शन हुआ, बुजुर्गों का हुआ, वयस्कों का हुआ, तो उसका परिचय क्यों नहीं दिया गया? अब आप कोई गेस्ट आ जाए, बाकी सबका परिचय करा दीजिए, बच्चे का मत कराइए। फिर देखिए थोड़ा ऑब्जर्व करिए इसको, बच्चा क्या करता है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की बात है। वो बच्चा आकर आपके गोद में बैठ जाएगा, है ना, ताकि आप उसकी ओर ध्यान दें, दूसरे भी उसकी ओर ध्यान दें। आप तभी मत उसका परिचय कराइए, आपका मुंह अपनी ओर घुमा देगा कि मेरे से बात करो, अंकल से बात मत करो। आप तब भी अपना परिचय मत कर, उसका परिचय मत कराइए। वो उछल कूद करेगा, तोड़फोड़ करेगा। अब उसने तोड़फोड़ कर दी, कोई टूट गया कोई सामान, आपने कहते गधा कहीं का, निकलो यहाँ से कम कुछ तो परिचय हुआ उसका कि नहीं? जहाँ कोई परिचय नहीं कराते गधा ही कह दिया आपने, कुछ तो परिचय हुआ। वैसे अगर आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखें कि घर में आपका कोई मित्र आ जाए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, आप उनका परिचय मत कराइए, तो वो ड्राइंग रूम में आ जाएंगे, है ना, और जो चीज़ें पहले भी सलीके से रखी होंगी उनको भी ठीक करेंगे, थोड़ी देर खड़े रहेंगे, ताकेंगे झाकेंगे, ताकि आप उनका परिचय करा दें। आप मत परिचय कराइए। अब वो दूसरे कमरे में जाके खांसेंगे, है ना, कि कोई पूछ ही ले कौन खांस रहा है, आप तभी परिचय मत कराइए। अब इसके साथ अगर आप देखें तो जब आपका मित्र चला जाएगा तो फिर आएंगे आपके सामने और कहेंगे तुमने क्या घर को सराय बना रखा है, कोई भी लुच्चा लफंगा चला आता है, कोई परवाह नहीं है तुमको। अल्टीमेटली इशू क्या है, उनका परिचय नहीं कराया गया। वैसे ही आप पुरुष का कराएं, स्त्री का ना कराएं, है ना, ये भी भेद हो गया। तो आयु के आधार पर भेद करते हैं, लिंग के आधार पर भेद करते हैं। ठीक, जैसे पत्नी पूछे पति से कि भाई क्या ढूंढ रहे हो फाइल में जो नहीं मिल रहा, पति कह दे कि तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी समझ से परे है। फिर वैसी पत्नी किचन में काम कर रही हो, पति पूछे भाई क्या दिक्कत हुई, क्या नहीं मिल रहा, वो भी कह दे तुम्हारी समझ से परे है, तुमको समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम देखें तो लिंग के द्वारा भेद करते हैं, हमको लगता है कि स्त्री समझ सकती है, पुरुष समझ सकता है, स्त्री ऊपर है कि पुरुष ऊपर है। अभी आप देखिए इनमें से एक एक भेद को लेकर ना आंदोलन चलते हैं। आयु को लेकर जनरेशन गैप हो गया है ना, बहुत सारे देशों में छोटे बच्चे अपने आप को एम्पावर करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपना रहे हैं, तरीके अपना रहे हैं। जेंडर गैप हो गया है तो वीमेन एम्पावरमेंट करिए। पहले ऐसा लग रहा था कि भाई मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो वीमेन को एम्पावर करना पड़ेगा, तो वीमेन एम्पावरमेंट का एक प्रोग्राम चलाया गया। तो कुछ परिवारों में ऐसा हो गया है कि वापस मेल एम्पावरमेंट का कार्यक्रम चल रहा है ना, कि मेल को एम्पावर करो, बहुत डोमिनेटेड हो गए हैं। तो अभी लिंग को लेकर भेद करते, लिंग में संघर्ष शुरू हो जाता है। वैसे वंश को लेकर संघर्ष करते हैं, किस वंश में जन्म लिया, है ना, उस वंश के आधार पर कई सारे हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, जाति उपजाति। अगर पूरे विश्व में देखें तो चार तरह के रेसेज हैं, वंश है ना, तो वाइट ब्राउन ब्लैक येलो, ये चार तरह के रेस हो गए। अब उन्हें कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है। वैसे देश में देखें तो इतने सारे वंश हैं, इतने सारे उसके आधार पर जाति उपजाति प्रजाति बनी हुई है। अब एक लंबा संघर्ष रहा है पिछले सदी में, अगर आप देखें और इस सदी में भी है एक लंबा संघर्ष रहा है, उससे पहले देखें तो भी दिखाई देगा कि वंश और वंश के बीच में भेद हो रहा है ना। ये वंश का व्यक्ति होगा ये साथ नहीं बैठ सकता, ये ऊपर नहीं बैठ सकता, ये पास नहीं बैठ सकता, इसको दूर बैठाओ। अब ये सब भेद करते हैं हम। वैसे बल के आधार पर शरीर का बल है ना, कि किसको ज्यादा सम्मान मिले, जिसमें ज्यादा बल है जिसमें कम बल है, तो जिसमें ज्यादा बल है वो फिर अपने हिसाब से एक विचार करता है, जिसमें कम बल है वो अपने हिसाब से विचार करता है। अब एक जांचने की बात है जो यहाँ आपसे पूछा है, आम तौर पर घर में आप क्या करते हैं,
परिवार में बच्चे के सामने कोई भी बात प्रस्ताव पूर्वक रखते हैं या बच्चे पे थोपते हैं, क्या लगता है? इसको रिस्पॉन्ड करिए। जैसा आप है उसकी बात हो रही है, जैसा होना बनता है चाहते हैं वैसा नहीं, जैसे बच्चे को पढ़ने के लिए कहना तीसरा आसन भी होना चाहिए सर। जी सर, इसमें तीसरा आसन भी होना चाहिए, इसमें तीसरा आसन भी होना चाहिए सर कभी कभी। जी व्यासी की बात से मैं सहमत हूँ। क्या होना चाहिए? तीसरा ऑप्शन भी होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन भी होना। अच्छा तो बताइए तीसरा ऑप्शन, आप खुद से बता दीजिए क्या हो सकता है। तीसरा ऑप्शन ये रहता है कि कभी कभी कंडीशनिंग है ये, कभी कभी कंडीशनिंग है ये, देते और कभी कभी आदेश कर देते हैं। वही मेजर रूप से क्या करते हैं ये पूछा जा रहा है, मेजर रूप से आप प्रस्ताव डाल करते हैं या दबाव डालते हैं? थैंक यू। बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब वो बिल्कुल मित्र हैं, दोस्ताना है, तो अब तो प्रस्ताव ही जाता है उनके पास। वही जब छोटे बच्चे थे तो हमने क्या किया था ये देखने के लिए, छोटे बच्चे में जरूर ये चीजें रही। जी, कभी समझाया कभी थोपा, कभी निर्देश कभी आदेश, परंतु अब बिल्कुल प्रस्ताव ही जाते हैं। लखनलाल जी कि अब प्रस्ताव बच्चों की तरफ से आते हैं, हमें सिर्फ सहमत और असहमत होना। बिल्कुल सही बात है, अब बच्चों के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन बचपन में बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, अभी इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें, कितनी बार हम बच्चों के साथ डूज एंड डोंट्स में बात करते हैं, कितनी बार पूछते हैं कि तुमको क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल है, जैसे खाना खाना है बच्चे को डांट के खिला देते हैं या बच्चे से पूछते हैं भूख लगी कि नहीं लगी है, पढ़ना है बच्चे को डांट के बैठा देते हैं पढ़ने के लिए या बच्चों से पूछते हैं पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते हो। इनफैक्ट आपको लग सकता है कि जब मैं ऐसा पूछूंगा तो बच्चा ना कहेगा, मजे की बात है जब आप इस संवाद शुरू करेंगे तो बच्चा खुद में जांचेगा परखेगा और कई बार जो आप विचार कर पा रहे उसे आगे का विचार लेकर आ सकता है, क्यों पढ़ना है इसका उत्तर वो स्वयं से दे सकता है, नहीं पढ़ना है क्यों वो भी बता सकता है, बट कई बार हम बच्चों को एक्सप्लोर नहीं करने देते और हम उस पर थोपते हैं। एक उदाहरण मैं लूंगा, हम लोगों ने कानपुर में IIT के बगल में ही अपना संस्थान है जहाँ रहकर काम करते रहे हैं, तो हम लोग IIT में दूध बांटने जाया करते थे घरों में, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कुछ खेती और गोपालन का काम करते थे, तो कई परिवारों में बात हुई, लोग पूछते आप लोग क्या करते हैं वहाँ पे सेंटर पे, हमने बताया, उन्होंने कहा कि आप लोग बच्चों के साथ भी वर्कशॉप करते हैं, हमने कहा बिल्कुल करते हैं। तो एक दिन 7-8 परिवार आए जिसमें 12-13 बच्चे थे, पेरेंट्स आए माँ पिता दोनों और है ना बच्चे भी आए, और फिर उनके साथ बैठ के बात होने लगी, तो हम लोगों ने फर्स्ट हाफ में बच्चों के साथ बात किया, सेकेंड हाफ में पेरेंट्स साथ बात किया, तो बच्चों से हमने पूछा कि क्या लगता है तुम अपनी जिम्मेदारी पे जीना चाहते हो या अपने माँ बाप के दबाव में जीना चाहते हो। तो दो बच्चे थे जो उम्र में 4-3 साल के थे, तो वो तो जवाब नहीं दे पा रहे थे, बाकी बच्चों ने उसको लिख के बताया कि हम अपनी जिम्मेदारी पे जीना चाहते हैं। फिर हमने पूछा कि बताओ क्या क्या जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी, तो बच्चों ने लिखा सुबह उठना, फ्रेश होना, स्कूल के लिए तैयार होना, बैग तैयार करना, स्कूल जाना, वापस लौट के जब आना तो अपना कपड़ा रखना, बैग रखना, खेलने जाना, वापस जब लौट के आए तो पढ़ाई करना, समय पर सोना, ये सब लिखा उन्होंने, ढेर सारी चीजें। फिर उन्होंने पूछा कि मुझे कितने काम अपनी जिम्मेदारी पे करना चाहते हो, तो पढ़ने लिखने को छोड़कर बाकी सब में लिख दिया बच्चों ने कि अपनी जिम्मेदारी पे करना चाहते हैं, यानी पढ़ाई लिखाई की बहुत क्लैरिटी नहीं है, ये समझ में आया क्यों पढ़ना है। फिर हमने बच्चों से सपाट सा प्रश्न किया, क्या लगता है तुम अपने माँ बाप के बराबर हो, कम हो या ज्यादा हो, क्या लगता है क्या उत्तर मिला होगा बच्चों से, बच्चों ने क्या बताया होगा, माँ बाप से कम है, ज्यादा है या बराबर है, बताइए चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या उत्तर मिला होगा। सब बच्चों ने कहा बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, हम नहीं चाहते हमारे पे कोई दबाव डाले, हम कोई हमारे पे कोई शासन करे, हमसे प्रस्ताव पूर्वक बात हो, ऐसा चलता रहा। फिर हम लोगों ने सेकेंड हाफ में पेरेंट्स से बात किया, तो उनसे भी यही सब बातें कही कि बताइए बच्चे आपकी जिम्मेदारी पे अपनी जिम्मेदारी पे जीना चाहते हैं या आपके दबाव में जीना चाहते हैं। तो 2-3 लोगों ने बात समझ ली, हंसते हुए कहा कि देखिए कहे कुछ भी रहे हो बच्चे, वो जियेंगे तो हमारे दबाव में। फिर हमने पूछा क्या लगता है आपसे कम है, ज्यादा है, बराबर है, सबने कहा कम है। अब सोचिए वो लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, है ना, कि बच्चे को कैसे केयर किया जाए, ठीक, बच्चे को कैसे लालन पालन किया जाए, परंतु इवैल्यूएशन में गैप बना हुआ है, बच्चा कह रहा है मैं आपके बराबर हूँ, माँ बाप कह रहे तुम हमसे कम हो, ये डिफ्रेंशिएशन है। इसके ये फरवरी का महीना था जब ये वर्कशॉप किया हम लोगों ने,
और उसके बाद हम लोग अप्रैल में एक परिवार के यहाँ गए, फिजिक्स के प्रोफेसर थे उनके यहाँ गए, तो उनके यहाँ से जो लड़का था वो आया था, एक छोटी बहन थी उसकी, वो नहीं आई थी। तो उन्होंने पूछा कि बताइए कैसा चल रहा है वहाँ से आने के बाद। उनका काफ़ी जिम्मेदार हो गया है ना, बहुत सारे काम खुद से कर लेता है अभी। और उन्होंने हम लोग के सामने कहा कि जाओ अंकल के लिए रुअफजा बना के ले आओ, तो चला गया है ना रुअफजा बनाने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि एक बड़ी समस्या हो गई, ये छोटी बहन इसकी ये नहीं गई थी आप लोग के यहाँ, और ये क्या करती है, उसको काम करता हुआ देखिए ये भी काम करती है। अब हमारे घर में एक मेड आती है पोछा लगाने के लिए, ये उसके हाथ से पोछा लेके लगाने लगती है, बताइए कोई देखेगा कि मेरी छोटी बच्ची पोछा लगा रही है लोग क्या कहेंगे। हमने कहा देखिए, फिर हमने भेद कर दिया है ना कि मेड को जो काम करे छोटा काम है इसलिए हमारे बच्चे नहीं कर सकते। फिर हमने दोनों के बीच में है ना भेद कर दिया कि ये कम है वो ज्यादा है। तो बच्ची अगर स्वयं से अगर अपनी सफाई करना चाहते अच्छी बात है, बच्ची को फिर सिखाएंगे कैसे स्वच्छ रहा जाता है, कैसे घर को स्वच्छ रखा जाता है ना, ये बातें हम उसको बता सकते हैं। अब ये सब माइनर माइनर चीजें हैं, माइन्यूट चीजें हैं, परंतु हम अपने ऑब्जर्वेशन से अगर देखेंगे तो दिखेगा कि बहुत सारे जगहों पे हम भेद कर रहे हैं, अपने परिवार में कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे कर रहे हैं। ठीक है तो कई लोगों ने लिखा है कि बच्चे पे थोपते हैं ना, कई लोगों ने लिखा है प्रस्ताव देते हैं, अच्छी बात है, एक मिक्स भी हो सकता है, ठीक बात है, इसको थोड़ा ऑब्जर्व कर। बच्चे जो थे वो सबसे छोटी बच्ची जो थी वो 3-4 साल की थी, और सबसे बड़ी बच्ची जो 13 साल की थी, टोटल 13 बच्चे आए थे। तो अधिकतम मतलब टीनेज में जाने के जो उम्र होती है लगभग उसी उम्र तक आए थे, उसके टीनेज के बच्चे कम थे। जी अनीता जी कुछ कह रही है। जी ये बच्चों को प्रस्ताव देने की जो बात थी उससे जुड़ा मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। तब मुझ में ये सारी चीजें नहीं थी समझ, या इस तरह से चीजों को नहीं देखा था मैंने। मैंने परिस्थिति जन्य स्थिति में वो काम किया था। अनुभव ये है मेरा कि बेटों बच्चों को जब मेरे को छोटे बेटे को स्कूल भेजना होता था तो मेरे लिए बड़ा काम बढ़ जाता था कि मैं बार बार जाके उसको जगाती थी और किचन में लंच बॉक्स तैयार करती थी, और मैं देखती थी कि मैं उसको जगा के आ रही हूँ और मालूम पड़ा 10 मिनट बाद जाके देखा तो वो वापस खींच के चंद्रा सो गया। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि ये मेरे जगाने से ये रोज परेशानी होती है। तो मेरे मन में ये भाव आया कि मैंने उसको उस दिन जब वो स्कूल से आया तो मैंने उसको समझाया कि आदित्य ये कल से ये तुम्हारा अलार्म रखा है, या तुम अलार्म से जगो या अपने आप जगो, जगना तुम्हें खुद ही है। वो लगभग उस समय 12 साल के आसपास होगा। मैंने कहा जगना तुम्हें खुद ही है, अगर तुम कहोगे तो एक बार मैं तुम्हें बताने आ जाऊंगी पर उसके बाद दूसरी बार नहीं आऊंगी, अगर तुम नहीं उठे तो फिर स्कूल तुम नहीं जा पाओगे और मैं तुमसे नाराज भी नहीं होंगी। तुम्हारी इच्छा, तुम्हें अच्छा लगे तो स्कूल चले जाना, नहीं तो तुम ही परेशान होने वाले हो, तुम्हारे पास होमवर्क बहुत बढ़ेगा अगर तुम 2 दिन नहीं जाओगे। तो बस इस चीज पर फिर मैंने ये देखा कि मेरी ये जो काम था प्रयास वो काम कर गया, और दूसरे दिन से मुझे एक बार सिर्फ उसको बताने जाना पड़ता था और उसको समझ में आ गया कि ये अगर मैं नहीं जगा तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। और ऐसा हुआ भी कि 2-4 बार वो मेरे जगाने के बाद सो गया फिर से और वो स्कूल नहीं जा पाया, पर ये उसको बात बहुत जल्दी समझ में आ गई और फिर वो अपने आप जगने लगा। ये मैं कहना चाहूंगी। थैंक यू। अच्छी बात, अच्छा शेयरिंग है। तो हम बच्चे को जब एक्सप्लोर करने का अवसर देते हैं ना, स्वयं में जांच परख करने का, तो बच्चा एक जिम्मेदारी के भाव के साथ तैयार होता है। जी एक और तरीका भेद करने का, सुविधा के आधार पर भेद करते हैं। कैसे? धन के आधार पर, धनी निर्धन, किसको ज्यादा सम्मान मिले धनी को या निर्धन को। ऐसी पद के आधार पर किसको अधिक सम्मान मिले, प्रोफेसर को, एसोसिएट प्रोफेसर को, असिस्टेंट प्रोफेसर को, क्लर्क को, डायरेक्टर को, डीन को, किसको अधिक सम्मान मिले। तो ये दिखाई देता है कि अभी हम इन सब मानकों के आधार पर कई बार भेद करते हैं, उसको सम्मान मान लेते हैं। अब यहाँ एक रिफ्लेक्शन लेते हैं आपसे कि क्या हम जो हमारे नीचे काम करने वाले लोग अधीनस्थ हैं, सफाई कर्मी है, रक्षक हैं यानी गेट कीपर हैं, ठीक, गृह स्वामी है, इनके साथ सम्मान का ही व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं।
करने की बात कर रहा हूँ, करना चाहते हैं वो नहीं। जैसे आपके ऑफिस कॉलेज के गेट पे या स्कूल के गेट पे अगर कोई वॉचमैन है, हम उससे किस तरह बात करते हैं? कोई स्वीपर है, उससे किस तरह बात करते हैं? और वैसे ही जब हम प्रिंसिपल के डायरेक्टर के ऑफिस में जाते हैं तो किस तरह बात करते हैं? ऐसा जरूरी नहीं कि हम दोनों जगह एक ही शब्द का प्रयोग करें, भाव सम्मान का है कि नहीं, एक्सप्रेशन अलग प्रकार से हो सकता है। किसी के साथ हम गले मिलते हैं, किसी के साथ हाथ मिलाते हैं, किसी का पाँव छूते हैं, एक्सप्रेशन है। कोई बुजुर्ग मिलते हैं तो पाँव छूते हैं, छोटे बच्चे का पैर नहीं छूते हैं, एक्सप्रेशन अलग है। बट सम्मान का भाव तो दोनों के प्रति हो सकता है, किसे गले मिलते हैं, किसे हाथ मिलाते हैं, किसे हम दूसरे हेलो कहते हैं, एक्सप्रेशन अलग अलग है, बट सम्मान का भाव है कि नहीं। राज्य आनंद संस्थान से जुड़ने के बाद जी, अब असम्मान तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता हम लोगों में। जी जी, बहुत अच्छी बात है जी भैया, बस यही मैं भी कहना चाहूंगी। बिल्कुल लखन जी से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि अब जब से राजानंद संस्थान से जुड़े हैं तब से बहुत परिवर्तन हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि एक गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव के द्वारा एक ऐसा समाज के लिए उपयोगी काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो सब ज्यादा लोग लिखा है कि सामान्यतः हाँ, अच्छी बात है। हम भी हैं साथ में जी। कौन बोल रहे हैं? सुधीर आचार्य। अच्छा अच्छा, बल्कि अब तो असम्मान भी होता है तो भी कोई बहुत अंतर पड़ता ही नहीं है। अच्छा। तो हम लोग कोई जवाब नहीं देते, अब हंस देते हैं बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। देखिए सब कई सारी चीजें हैं ना जिसमें हम अगर ना समझें तो बड़े बड़े विवाद के कारण बन जाते हैं। भैया समय हो तो मैं अपना एक द्वंद्व अपने सामने आपके सामने रखना चाहती हूँ। दीदी ऐसा करेंगे कि मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, उसके बाद है ना आखिरी आधे घंटे 45 मिनट में सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन लेंगे, आपके प्रश्नों पर। जी जी, थैंक यू जी। क्या ना समझी, क्या हमने सुविधा को सुख मान लिया, जबकि वास्तविकता क्या है? व्यवस्था में जीना सुख है, संगीत में जीना सुख है। तो अगर हम पद के साथ सुख को जोड़ लें, धन के साथ सुख को जोड़ लें, तो फिर ये मान्यता बन जाती है हमारी, ना समझी है, और फिर यहाँ भेद करने लगते हैं। वैसे एक भेद का आधार है मान्यता, है ना, वाद। तो देखें तो कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, नियो सोशलिज्म, नियो कैपिटलिज्म, नियो डार्विनिज्म, सो मेनी इज्म्स, इतने सारे वाद हैं, वाद प्रतिवाद, वाद माने विचार, है ना। तो अभी आप देखिए, आप बैठ जाइए कहीं पे खाली जगह बना हुआ, पार्क बना हुआ है ना शाम को, और आप कोई एक मुद्दा उठा दीजिए कि ये पार्टी ठीक नहीं कर रही। एक दूसरी पार्टी के समर्थक आ जाएंगे, वो कहेंगे कि ये पार्टी ये ठीक कर रही है, वो ठीक नहीं कर रही, और कई सारे विचारों को लेकर आपस में द्वंद्व शुरू हो जाता है, और फिर ये भेद शुरू हो जाता है कि ये इस पार्टी को बिलोंग करते हैं, उस पार्टी को बिलोंग करते हैं, इसलिए जो मेरी पार्टी को बिलोंग करते हैं, मेरे अपने हैं, वो पराए हैं, भेद हो गया। कई संप्रदायों के स्तर पर ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये बहुत सारे जो संप्रदाय बन गए उसमें भेद करते रहते हैं। वैसे सूचनाओं के आधार पर, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, कोई दसवीं पास है, कोई है ना पांचवीं पास है। अब ये सूचनाएं हैं जो हमने ली हैं, उससे कोई क्षमता में तो अंतर नहीं पड़ता, क्षमता तो सब में है समझने की, सीखने की, तो इनके आधार पर भेद करते हैं। अब ये भी एक भेद का आधार, इस पर भी थोड़ा आपका रिफ्लेक्शन लेते हैं कि सामान्यतः अन्य मान्यता के व्यक्ति के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, भेदभाव करते हैं या समान व्यवहार करते हैं, जिसके विचार हमसे न मिलते हो, जो अलग मान्यताएं रखता हो। मान्यता हम में भी है, मान्यता अगले में भी है, पर चूंकि मान्यताओं में अंतर है इसलिए हम कई बार भेद करते हैं। जी, डॉक्टर कमलेश ने एक अच्छी बात लिखी कि 4 साल पहले का उत्तर नहीं था परंतु अब हाँ है, मतलब वो पहले प्रश्न के लिए कह रहे हैं, तो अब भेद नहीं करते, पहले करते थे। दीप्ति जी ने लिखा है कि वो भी है ना, उनके अंदर भी एक सहस्वीकारता का भाव आया। अभी भी कभी कभी भेद हो जाता है जी, कुछ मान्यताओं के अधीन जी। क्या ना समझी, क्या है कि हम मान्यताओं को ही श्रेष्ठता से जोड़ लेते हैं, तो यदि मेरी मान्यता दूसरे की मान्यता से मिलती है तो मेरे जैसा है, अदरवाइज भेद करते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है, प्रत्येक मानव मेरे जैसा। अब ये भी कोई उपदेश की बात नहीं कि आप इसे मान ले, प्रत्येक मानव मेरे जैसा है,
आप कोई बात माने नहीं, जांचे, इसलिए इतना सारा विश्लेषण किया जा रहा है, इसलिए इतना सारा रिफ्लेक्शन लिया जा रहा है। तो हमको सहज रूप से दिख सकता है कि मानव मात्र होना पर्याप्त है। अगला व्यक्ति मेरे जैसा है, उसके शरीर की बनावट चाहे जैसी हो, उसका सुविधाएं चाहे जैसी हो, उसके पास मान्यताएं चाहे जैसी हो, जी मुझे बस एक मिनट का समय दीजिएगा। जी कुमार संभव भैया बस जी आ रहे हैं जी आ गए जी भैया। तो ये भी एक भेद करने का आधार है ना। तो ये प्रकार, कई प्रकार से हम भेद करते हैं, शरीरगत, सुविधागत, मान्यतागत, और इतने भेद है ना, संघर्ष में ले जाते हैं, एक सीमा से आगे बढ़ जाए। देखिए आप विश्व का पूरा इतिहास पढ़िए और देखिए कितने संघर्ष किस प्रकार हुए हैं, और जितने भी संघर्ष हुए इन्हीं भेदों के आधार पर हुए हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं इन्हीं आधारों पे हुए हैं। तो भेद अपमान है, नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसे विरोध, आंदोलन ये सब तैयार होता है। आपका एक रिफ्लेक्शन लेते हैं यहाँ पे। मैं देख पा रहा हूं कि भेद बराबर अपमान, क्या लगता है इस पर रिफ्लेक्ट कर दीजिए। जी कई कमेंट्स आए हैं आप लोगों के चैट बॉक्स में। तो ये भेद जो है ये एक मान्यता है, यानी कि हमारे कल्पनाशीलता में एक चूक हो गई है। और फिर वही कहूंगा कि ये इच्छा में भेद चला गया है, परंतु इच्छा और हमारी सहस्वीकृति में अंतर है, इन दोनों को समझना आवश्यक है। तो एक बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत बड़ा कारण है हमारे, है ना, ना समझी में। जी आप लोग के मैं कमेंट्स भी साथ में पढ़ता रह रहा हूं। तो ये दिखता है सही आकलन करने जाए कि ये तीन तो हम सब में समान है, लक्ष्य भी समान है, कार्यक्रम भी, क्षमता भी, और आगे देखें तो ये दिखता है कि इन तीन में तो दूसरा मेरे जैसा है ही, योग्यता में अंतर है। तो अपनी परस्पर योग्यता के सही आकलन के आधार पर मैं अपनी पूरकता को पहचानता हूँ, उसको निर्वाह कर पाता हूँ। पूरकता कैसे है, यदि दूसरा मुझसे अधिक समझदार है, अधिक जिम्मेदार है, तो मैं दूसरे समझने को तत्पर रहूंगा, यही मेरी पूरकता है उसके साथ। अगर मैं अधिक समझदार जिम्मेदार हूँ ऐसा लगता है मुझे, तो पहले मैं दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ, वो भले ही मेरे साथ कैसा व्यवहार करे, मैं उसका जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ बिना किसी शर्त के, और फिर मैं दूसरे को समझने में सहयोग करने के लिए तत्पर रहता हूँ। परंतु दूसरा मुझसे समझे इसके लिए मैं दूसरे को आश्वस्त करने के लिए भी तत्पर रहता हूँ। बिना आश्वस्त किए हुए समझाने जाएंगे तो डोमिनेशन हो जाता है, शासन हो जाता है। अब आप इस विधि से देखिए कि अगर मुझे तीन चीजें दिखाई दें कि हर का व्यक्ति मेरे साथ लक्ष्य, कार्यक्रम, क्षमता में समान है, और मैं हर व्यक्ति के लिए पूरक हूं, तो धरती का कोई मनुष्य मेरे लिए चैलेंज नहीं है। हर मनुष्य के साथ मैं पूरकता को पहचान सकता हूँ और उसमें समझ और भाव को विकसित करने के लिए कार्यक्रम बना सकता हूँ। ये पूर्ण सम्मान हुआ। हम अपने थोड़ा सा विचार करें, बैठे बैठे हमको दिख जाता है कि मैं कैसे धरती के हर मानव के साथ सही जी सकता हूँ बिना किसी भय के, बिना किसी परेशानी के, क्योंकि ये पूर्ण सम्मान ये है। हम हर एक के साथ पूरकता को पहचान पाते हैं, उसको निर्वाह कर पाते हैं। तो पहले हमने सिर्फ चाहना को देखा था कि एक समान है, अभी तक कार्यक्रम भी एक समान है, क्षमता भी एक समान है, योग्यता में भिन्नता है। तो जो निष्कर्ष निकलता है पूरकता का भाव, कॉम्प्लीमेंटैरिटी, दूसरा मेरे जैसा, हम एक दूसरे के पूरक हैं, कि पूरकता भाव के साथ दूसरे को, दूसरे भाव को समझने की अनुकूलता बन जाती है, जो आगे जितने भाव हम चर्चा करने वाले हैं ना, वो और सहज रूप से समझ में आते हैं जब हमको ये सम्मान का भाव समझ में आता है। ये आम का पेड़ तो गजब है, लेकिन दिख रहा डाली था। तो ये चाहना में भी, कार्यक्रम में भी, क्षमता में भी सभी समान है, सिर्फ योग्यता में अंतर है। ये बात हमको दिख पा रही कि नहीं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं। साधना जी ने कहा बिल्कुल अग्रीड।
जी। तो निष्कर्ष क्या निकलता है पूरी बात का, पूरकता का भाव। इस पूरी चर्चा से देखिए, सम्मान की चर्चा से जो निष्कर्ष निकलता है ना, पूरकता का भाव, तो शरीर, सुविधा, मान्यता आदि के स्तर पर सभी भिन्नताओं का उपयोग ही होता है ना, उस पूरकता को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कोई किसी के पास अगर अधिक शारीरिक बल है तो भारी काम कर सकता है, वयस्क है एक तरह काम कर सकता, बच्चा दूसरी तरह काम कर सकता है। जैसे आप घर में देखिए, बहुत सारे काम तो बच्चे ही ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे घर में गमलों में पानी देना हो, बड़ा व्यक्ति भूल जाएगा, आप बच्चे को कह दीजिए कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी में है ये पौधों में पानी देना, हर शाम को पानी देना है, बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट से याद करके जाएगा, पौधों में पानी डाल के आएगा कि नहीं। बहुत सारे काम बुजुर्ग ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, जैसे घर में रखरखाव करना हो वो ज्यादा अच्छा कर पाते हैं, हम भूल जाएंगे, उनको याद रहता है, क्योंकि अभी हमारा विचार बहुत जगह फैला हुआ है, उनका विचार उतना फैला हुआ नहीं है। और एक छोटे बच्चे को जितने अच्छे से बुजुर्ग केयर कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाते, इसलिए घर में तीन पीढ़ी का साथ साथ रहना पूरकता है। क्योंकि जो वयस्क पीढ़ी है, सबसे जो बुजुर्ग पीढ़ी है, उसके जितने अच्छे से बच्चा सेवा कर सकता है हम नहीं कर पाते, और जो बुजुर्ग व्यक्ति जितने अच्छे से बच्चे केयर कर पाता है हम नहीं कर पाते, और जितना बाहर से अगर हमको सुविधा को उपार्जन करना हो तो जितने अच्छे से हम कर पाएंगे उतना बुजुर्ग या बच्चा नहीं कर पाएगा। परिवार में पूरकता बनती है हर आयु के लिए, हर उम्र के लिए, हर लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए भी, स्त्री के लिए भी, पुरुष के लिए भी। वैसे एक उच्च पद पर बैठा व्यक्ति अधिक लोगों के विकास के लिए काम कर सकता है। इनफैक्ट जितने ऊंचे पद पे हम होते हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास आती है। तो पद का मतलब है जिम्मेदारी। अभी हम पद को कहाँ जोड़ते हैं, अधिमूल्यन से, है ना। ऊंचा पद मतलब मुझे ज्यादा ऊपर आंकलन किया जाए, जबकि पद का मतलब है जिम्मेदारी, पद का मतलब है न्याय। जितने ऊंचे पद पे गए उतने ज्यादा लोगों के साथ न्याय करना है मुझे, उतने लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी का भाव होना है। तो पद कभी अपनी एक भागीदारी है। पूरकता के भाव के साथ सभी के अंदर संबंधों का जिम्मेदारी पूर्वक जीने का भाव आता है। और जब इस बात को समझते हैं तो हमको दूसरे जो भाव है, जो बात करेंगे कल से हम लोग, उसको समझने की एक अनुकूलता बन जाती है। तो डिफरेंशिएशन में देखें तो ऐसा होता है, मैं शरीर, सुविधा, मान्यता के आधार पर मूल्यांकन करता हूँ, तुलना करता हूँ, प्रतिस्पर्धा करता हूँ, और दूसरों से अपने आप को भिन्न बताता हूँ, अंतर करता रहता हूँ, ये सारे भेद हैं जो नीचे लिखा हुआ है। जबकि सम्मान समझ में आता है, दिखता हमारा लक्ष्य समान है, हमारा कार्यक्रम समान है, हमारी क्षमता समान है, दूसरा मेरे जैसा है। यहाँ मैं अपने आप को दूसरे से भिन्न पाता हूँ, प्रतिस्पर्धा करता हूँ, यहाँ मैं दूसरे साथ पूरक होने का प्रयास करता हूँ। इनफैक्ट ये एक्सपेरिमेंटली भी पाया गया कि अगर क्लास के सभी बच्चे एक दूसरे को उसी सब्जेक्ट को, कोर्स को समझाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो बहुत फास्ट लर्निंग होगी। पर यदि आप क्लास में कॉम्पिटिशन कर देते हैं तो स्लो लर्निंग होती है, और ओवरऑल आप देखें तो बच्चों का डेवलपमेंट ज्यादा स्लो हो जाता है। मैं अंतर को बढ़ाने, हेरफेर का प्रयास करता हूँ, है ना, अगर डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, शोषण करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ देखें तो यदि दूसरा मुझसे अधिक समझदार, दूसरे से समझने के लिए तत्पर रहता हूँ, यदि मैं ज्यादा समझदार हूँ तो जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ और दूसरे को समझने में सहयोग करता हूँ, उसके लिए मैं दूसरे का आश्वस्त करता हूँ, ये कार्यक्रम है जो निकल कर आता है। तो बिल्कुल हमारे जीने का तरीका बदल जाता है। तो आज के लिए असाइनमेंट है कि पिछले 6 महीनों में परिवार में या संस्था में अन्य लोगों के साथ अपनी बातचीत की किन्हीं 5 घटनाओं की सूची बनाना है, और देखना है कि उन घटनाओं में हमने सही आकलन किया, अधिक आकलन किया, कम आकलन किया, या अन्यथा आकलन किया। जैसे ये असाइनमेंट हम लोग हर बार जब पढ़ाते हैं ना, तो असाइनमेंट देते हैं बच्चों को, तो बच्चे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लिख के लाते हैं। जैसे एक बार एक बच्चे ने लिख कर लाया था, ऐसे 10 घटनाएं लिखनी थी, कि कहाँ लिखता है, कहाँ लिखता है कि तुमको कि तुम्हारा राइट इवोल्यूशन हो रहा है, ओवर हो रहा है, अंडर हो रहा है, अदरवाइज हो रहा है। तो एक बच्चा लिख कर लाया था कि मैं पिताजी के काम में हाथ बटाना चाहता हूँ, बट पिताजी को लगता है कि मैं इमैच्योर हूँ, तो मुझे लगता है मेरा अंडर इवेल्यूशन कर रहे हैं ना, और मुझे नहीं लगता कि मैं ये जो पिताजी की मेरे एक्सपेक्टेशन से मैं इसको पूरा कर पाऊंगा, बट पिताजी को लगता है, और वो मुझे बहुत ज़्यादा उस पर दबाव बनाते हैं मुझे करने के लिए, तो मेरा वो अधिमूल्यन कर रहे हैं, ऐसा करके बच्चे ने लिख दिया था। ऐसा हम अपने बारे में आकलन करेंगे तो पाएंगे कि हम बहुत सारे जगहों पे गलत आकलन करते हैं, अपना भी, अपने परिवार के सदस्यों का भी। जी सुरभि जी, करिए लास्ट स्लाइड को एक बार डिस्प्ले करने के लिए, ये स्लाइड।
सुरभि जी। हाँ जी हाँ, बस एक मिनट देखना था थोड़ा सा। मैं पिछली दो स्लाइड भी देखना चाहूंगी फिर से, क्योंकि आप उसको एक कर एक साथ करते हुए फिर कंक्लूजन पे आए थे, तो पिछली दो स्लाइड भी देखना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसा करूंगा, मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लूँ, फिर मैं आपके सामने सारे स्लाइड्स रखूंगा, फिर आपके रिफ्लेक्शन लूंगा। तो ये असाइनमेंट है। दूसरा है कि हमने आज भेद के बारे में चर्चा की है, तो तीन आधारों पर भेद करने का कोई एक एक उदाहरण दीजिए जो आपके जीने से जुड़ा हो, और सही समझ के आधार पर बताएं कि इसमें प्रत्येक में समाधान क्या हो सकता है। जैसे हमको अपने वर्क प्लेस पे भेद दिखता है, उसका समाधान क्या हो सकता है, और समाधान का मतलब ये जिसमें दोनों का सुख होगा, ऐसा नहीं किसी एक का सुख होगा। आस पड़ोस में देख सकते हैं, परिवार में देख सकते हैं, उसका समाधान सुझाना है। इस पूरी बात को अगर समाप्त करें तो इतनी बात की हम लोगों ने कि सम्मान बराबर सही आकलन, और चाहे हम अधिक आकलन करें, कम करें, अन्यथा करें, ये सब अपमान है क्योंकि इसमें भेद है। सम्मान मैं के आधार पर ही हो पाता है, और ये हमको दिखता है कि मिनिमम कंटेंट है रिस्पेक्ट का, कि दूसरा मेरे जैसा है, और कंप्लीट कंटेंट देखें तो ये है कि हम दूसरे के पूरक हैं। केवल हमारी समझ के स्तर में अंतर है, हमारी कितनी इच्छा विचार आशा सह स्वीकृति के आधार पर बन पाई है, कितनी नहीं बनी है, बस इसी में अंतर है। तो मेरी तरफ संबंधों का निर्वाह करने से मेरे अंदर संगीत यानी सुख बना रहता है। पूरकता किस रूप में है, यदि दूसरा अधिक समझदार है, अधिक जिम्मेदार, तो मैं उसे समझने के लिए तत्पर रहता हूँ। मैं अधिक समझदार हूँ, अधिक जिम्मेदार हूँ, तो पहले मैं दूसरे का जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ। पहले ऐसा नहीं कि समझाने शुरू कर देता हूँ। अभी क्या होता है, आप किसी को समझाने जाइए और दूसरे को थोड़ी देर में परेशानी शुरू होती है, फिर उसको कहना शुरू करता है तुम ही समझदार हुए हो, हम भी समझदार हैं, फिर दोनों लोग आपस में तर्क वितर्क करने लगते हैं। तो पहले मैं दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ, फिर दूसरे को समझने में सहयोग करता हूँ, तत्पर बना रहता हूँ उसके लिए, और उसके लिए संबंध में आश्वस्त करता हूँ दूसरे को। ये पूरा निष्कर्ष है जितनी हम लोगों ने आज बात की। अब आपके विचार लेते हैं, और जो भी कंटेंट लगता है उसको एक बार रिविजिट किया जाए, उसको रिविजिट भी कर सकते हैं। जी दीप्ति जी से मैं कह रही थी, कौन कह रहे थे, मैं एक बार अब आपके रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। सम्मान का पाई चार्ट दिखा दीजिएगा। अच्छा, सुरभि जी ने कहा था कि इसके पूर्व की स्लाइड। जी ये इसके पहले वाला पाई चार्ट सर। अच्छा जी, थैंक यू सर। भैया मुझे सम्मान का सही आकलन वाला देखना है। अच्छा सर, क्या ये नहीं हो सकता है, सारी स्लाइड मेल पे भेज दीजिए। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको कुछ नोट्स भी शायद जा रहे होंगे मेल पे, नहीं तो हम लोग उसको भी और उसको फाइनलाइज कर रहे हैं, आपको भेज देंगे। सारा नोट्स भी मिलेगा, रीडिंग मटेरियल भी मिल जाएगा। अभी तो नहीं जा रहा है, पर पूरा मटेरियल जो है वो शेयर हो जाएगा सर। अच्छा ठीक है जी। अनीता जी उससे कुछ कहना चाह रही थी, हमने आपको रोका था। मुझे लग रहा है शायद कि कल का दिन और है और परसों भी है, दो दिन है हमारे पास, संभवतः मुझे जवाब मिल जाएगा, और नहीं तो फिर मैं आगे शेयर करती हूँ। अच्छा जी, बात थोड़ी आप चाहे तो पूछ सकते हैं, संक्षेप में बता देंगे फिर आगे विस्तार में चले जाएंगे। कुछ अभी जो चर्चा हुई है, कुछ बात इससे जुड़ी हुई है और कुछ बात थोड़ी अलग सी भी है, रख सकती हूँ क्या मैं? जी बताइए। घटना मुझे पिछले कुछ डेढ़ दो सालों से मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्पविराम के कारण मैं कुछ समझौतावादी होती जा रही हूँ, जिसे गलत का विरोध नहीं करना कि कौन उलझन में पड़े छोड़ो, अगर कोई आपको कोई आपको आपके कार्य के अनुसार मतलब जैसे वर्क प्लेस पे कोई आपको परेशान भी कर रहा है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, अपन ने अपना काम करा, उसको समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है। इस तरह के कुछ भाव मेरे अंदर पिछले 1.5 साल से चल रहे थे और लगातार मैं, चूंकि अपने से 10 साल जूनियर के अंडर में मैंने सहर्ष स्वीकार किया था काम करना, ट्रांसफर हुआ था मेरा और मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया था कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहती तो वहां चार्ज ले सकती थी पर मैंने नहीं लिया और सारे उनके प्रोटोकॉल का भी पालन किया, बिल्कुल उनको अपना वो माना कि पद के मतलब संस्था प्रमुख के रूप में मैंने उनके सारे निर्देशों का बहुत अच्छे से पालन किया और सब किया। पर चूंकि पिछली संस्था में हम लोग लगभग 25 साल से साथ साथ थे, फिर वो ट्रांसफर होके जिस संस्था में गए, फिर करीबन 8-10 साल बाद मैं भी उसी कॉलेज में पहुंची, तो लगातार मुझे परेशान कर रहे थे, लगातार मैं इग्नोर कर रही थी। तो मेरे मन में बस भाव यहाँ पर यही आया है कि इस तरह से लगातार समझौतावादी होना मेरे लिए ठीक था क्या? जी, अगर एक शब्द में कहें तो नहीं था ना, परंतु उसका समाधान क्या उसको समझना जरूरी है। तो क्या होता है ना, जब कोई गलत बात होती है तो उसके कई अप्रोच हम लोग ले लेते हैं। एक अप्रोच होता है कि सहन कर लिया, एक अप्रोच होता है कि उसको इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, चलने दो, जाने दो। एक तरीका होता है कि हमने उसको विरोध किया, एक तरीका होता है कि हमने उसका दमन किया, गलत को दबा दिया, होने नहीं देंगे। परंतु इन सारे कार्यक्रमों में दोनों पक्षों का सुख नहीं होता। सुख होता है जब हम उस गलत का विकल्प खड़ा करते हैं सही के रूप में। तो हम किसी के व्यक्ति के साथ जब इंटरेक्ट कर रहे हैं और लग रहा है कि हमारा सही आकलन नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करेंगे, समय लेंगे, कहेंगे आपके साथ बैठ के मुद्दों पे बात करनी है और बताएंगे कि आपका व्यवहार हमारे लिए मुझे स्वीकार नहीं हो रहा, आप बताइए आपको स्वीकार हो रहा है क्या ऐसा व्यवहार मेरे साथ, और संवाद करेंगे। और मैंने तो खुद इसको प्रयोग करके देखा है कई जगहों पे, और कहीं भला ऐसा नहीं कि गलत व्यवहार होता रहता है, नहीं हुआ है, परंतु कभी एक आध बार लगा भी तो मैंने संवाद किया है और संवाद काफी सफल रहा है। हाँ, पर मतलब खेदपूर्वक मैं यहाँ रखना चाहती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से संवाद करने का प्रयास किया पर मैं सफल नहीं हो पाई। मैंने संवाद सफल होगा, संवाद सफल होगा जब वो व्यक्ति वर्कशॉप में आएगा। बस अब आपने ये बात कही ना, और फिर अंत में कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि मुझे विरोध करना पड़ा और वो अभी लगभग 2-3 महीने से वही स्थिति चल रही है, पर क्योंकि लॉकडाउन के कारण वो ठंडे बस्ते में चला गया है मामला। हाँ, उसमें मैं कहूंगा ना कि देखिए, हम गलत हो गलत तो कहें बट संबंध पूर्वक कहें, विरोध हमारे अंदर ना आए। हाँ, मैंने अभी भी संबंध पूर्वक ही कहा और मैं स्टेबल रही, मतलब वो सब करते हुए मैं स्टेबल रही, पर मैंने सही प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से अपनी बात रखी। पर चूंकि सामने वाला व्यक्ति किसी वर्कशॉप में नहीं है, सामने वाला व्यक्ति किसी राज्यानंद संस्थान से नहीं जुड़ा है, तो उसने मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करी, बहुत सारे षड्यंत्र से रच दिए और बहुत जगह पे बहुत अनावश्यक शिकायतें करी, मेरी 2 महीने की तनख्वाह रोक दी है, बहुत कुछ किया उन्होंने। पर वो सब मतलब मैं अभी अपने स्तर पर उसको बहुत स्टेबल होकर ही चीजों को हैंडल कर रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही थी मैं। थैंक यू सर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हमारे अंदर विरोध का भावना है और हम अगले के अंदर जो बात हो रही थी ना, यदि मुझे लगता है कि मैं ज्यादा समझदार जिम्मेदार हूँ तो मैं दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ जो सामने लिखा हुआ है ना, और दूसरे को समझने में सहयोग करने के लिए तत्पर रहता हूँ और उसके लिए मैं उसको आश्वस्त करता हूँ। और समझने में सहयोग करने के लिए जो विधि संवाद है, तो संवाद के अवसर को बनाए रखते हैं, अगला व्यक्ति जब भी कंफर्टेबल हो, जब भी ध्यान देने की स्थिति में आ जाए, जाके संवाद करते हैं। तो क्या है, अभी ये जिस तरह से ये पूरा एक समाज में सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से जीने का ढंग हो गया है, इतनी प्रीकंडीशनिंग्स हैं, लोग बाहर जब देखते हैं तो देखते हैं कि भाई कोई गलत विधि से ज्यादा धन कमा लिया और धन को लोगों ने सुख माना हुआ है, तो एक प्रचलन में आ गया कि भाई कुछ भी हो, धन कमाओ चाहे जैसे कमाओ, अब उसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो गया। तो जब हम अगले को संवाद करते हैं तो दिखता है कि अगला कहाँ कहाँ से प्रीकंडीशनिंग्स पिक करके बैठा हुआ है, कैसे बचपन से इसके अंदर बहुत सारी मान्यताएं बनी हुई है,
शासन की, शोषण की, दमन की, संग्रह की, भोग की, अतिभोग की, अब ये सब चीज समझ में आती है। तो हमको दिखता है कि अगला व्यक्ति बीमार है, ऐसा नहीं है कि ये इंटेंशनली ऐसा कर रहा है, इसकी चाहना में कोई कमी नहीं है, गलती नहीं है। जैसे अगर कोई बीमार व्यक्ति है और हम उसे कहें दौड़ो, कैसे दौड़ेगा, वैसी बात है। तो जो जिसकी कल्पनाशीलता है ना बहुत तरह से प्री कंडीशन है। हाँ, मुझे यहाँ बताते हुए ठीक लग रहा है आपको कि जो आप कह रहे हैं संवाद की गुंजाइश मैंने अपने बीच में बनाए रखी है, क्योंकि उनके इतने सारे करने के बावजूद, यहाँ तक कि उन्होंने एक झूठी जांच भी गठित कर दी है, और उन सब के बावजूद भी मैंने अपने स्तर पर उनकी कहीं भी शिकायत नहीं करी। और चाहती तो मेरे लिए बहुत है ना कि सीधे सीधे महिला कि भाई मैं अपने अधिकारों के लिए बहुत सारे उस पर जा सकती थी, पर मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि शायद मुझे मेरे अल्पविराम ने रोका कि मैं अभी इनको समय दूं। तो मैंने वेट बहुत समय तक इंतजार करती रही, और अभी भी फिर वो लॉकडाउन के कारण चीजें चला गई, पर मैं अपने स्तर पर कहीं भी नहीं गई। और मैंने, और इसका मेरे पास एक बेस्ट रिजल्ट ये रहा कि मैंने उनको बात करके यही कहा कि सर जो भी आपने किया, पर अगर आप मेरी बात को समझे कि मैं नहीं चाहती हूँ आपसे कुछ भी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात समझे, इसीलिए मैंने कहीं शिकायत नहीं करी है, आप मेरी इस बात को समझिए सर प्लीज। तो वहां से भी अब थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो नहीं कह सकती, पर इसी बीच में क्या हुआ कि कोरोना हो गया, तो जैसे आपने कहा कि बहुत कंडीशनिंग थी, वो मानसिक रूप से बीमार थे, शारीरिक रूप से जब वो बीमार हुए तो उनका बहुत ज्यादा वो चेंज हो गया है, मनस्थिति बहुत चेंज हो गई है, कि जैसे एक वो भाव होता है ना सबके साथ बहुत अच्छे से रहने का, कोरोना से जब वो वापस आए तो उनका बड़ा एक एटीट्यूड जो हुआ वो बहुत बदला है। मुझे उम्मीद है कि बेहतर होगा सब। थैंक यू। बहुत अच्छा। कोई और कोई शेयरिंग करना चाहे, प्रश्न हो आपका? प्रश्न तो कई सारे बनेंगे। हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। कोई शेयरिंग हो आपकी तरफ से, कोई प्रश्न हो आपकी तरफ से, जिन लोगों ने नहीं बात रखी अभी तक मैं उनके या तो नाम पुकार लेता हूं। अंजना श्रीवास्तव जी, शायद आपसे अभी तक संवाद नहीं हो पाया। अंजना जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं। अच्छा अच्छा। विजित कुमार जैन जी, प्रदीप महतो जी, प्रदीप सेन जी, नितिन जी, जी विजित जी का माइक अनम्यूट हुआ था। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मैं कंटिन्यू रखा हूँ। थैंक यू सर। हेलो जी, नितिन जी। हाँ जी, एक्चुअली टाइम की बाध्यता ना हो, क्योंकि 4:30 बजे सेशन समाप्त होने की ओर है। हमारा एक संस्मरण था, वो थोड़ा रखना चाहते थे हम जी, संक्षेप में रख दें अगर इससे जुड़ा हुआ है तो। हाँ, इससे जुड़ा हुआ है लेकिन वो काफी बड़ा है, इसलिए सॉरी अभी ना करें, 10-5-7 मिनट लग सकते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं फिर उसको आप या तो हम लोग अलग से कभी बात कर लें, या फिर आप जी, जी, ओके। लिख दें। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। ऑडियो बना के ग्रुप में डाल दें सर। हाँ जी जी, ओके थैंक यू। श्रीवास्तव जी ने सुझाव अच्छा दिया, लाइट आगे पीछे होती रहे, थोड़ा एक रिवीजन होता रहेगा, ये मेरा अनुरोध था। स्लाइड्स को, हाँ स्लाइड्स थोड़ा सा 2-2 मिनट के अंतर से चलती रहे तो थोड़ा सुविधा हो जाएगी देखने में। और हाँ, पूरा रिवीजन चलता रहेगा। थैंक यू, बाकी आपकी चर्चा कंटिन्यू है। जी अवधेश जी का हैंड रेस था। जी अवधेश सर नमस्ते। जी नमस्ते, मैं अवधेश शर्मा, मैं भी लगातार सुन रहा हूँ
कुछ चीजें तो अच्छे से गहराई से जा रही हैं, कुछ जो है उतनी ज्यादा गहराई में पकड़ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो भी कारण है। मैं भी अभी अनीता जी ने जो बताया उसके हिसाब से मैं भी अपने ऑफिस में इस तरह की उससे मैं भी संवाद करूंगा, ये विचार आया मेरे अंदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रदीप सेन जी, हाँ। नमस्ते सर। मैं कंटिन्यू बहुत अच्छे तरीके से सुन रहा हूँ और बहुत गहराई से मेरे अंदर सब चीजें जा रही हैं, और मेरे जो प्रश्न होते हैं उनके आप लोगों के द्वारा हमें थोड़ी देर बाद ही उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए हम प्रश्न करके समय खराब करना नहीं चाहते हैं। और धन्यवाद। जी सुष्मिता जैन जी, जिन लोगों ने अभी तक बात नहीं रखी वो जरूर रखें। हाँ सुष्मिता जैन जी। जी सर, मैं यहाँ पे बस ये समझना चाह रही थी कि हम यहाँ पे हिंदी में ये शब्द यूज कर रहे हैं समझदार, तो समझदार आप नॉलेजेबल को बोल रहे हैं या इंटेलिजेंट को बोल रहे हैं? समझदार मतलब जिसके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग है, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी एट एवरी लेवल। तो यही जो समझदार वाला जो वर्ड है, मतलब मैं अगर देखूं अभी पिछले 4-5 सालों को, तो मतलब मैं अपने बेटे से इतना कुछ लर्न करती हूं कि वो मतलब जब 5 साल का था या 6 साल का था, अभी वो 9 साल का होने वाला है, तो मुझे लगता है कि उस छोटे बच्चे से मुझे कई चीजें जो पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है और सीखने को मिलता है, तो मतलब मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं वो मुझसे ज्यादा समझदार है। तो बस समझदार वर्ड पे ही सर मैं अटक गई थी थोड़ा। आप पूरी बात सुन पाई थी जो हम लोग? हाँ। जी तो समझ को उन्होंने परिभाषित भी किया था कि समझ का मतलब जीने के चारों स्तर पे हार्मनी को समझना, व्यवस्था को समझना, संगीत को समझना, ये समझ है। किसी बात का विश्लेषण कर पाना ये समझ नहीं है, वो तो आपके विचार का भाग हुआ। नहीं, इसमें भारत भूषण जी ने पूछा है कि रैशनल पर्सन मतलब समझदार होता है क्या? नहीं, रैशनल तो तर्क हुआ, लॉजिकल हुआ कि हमारी कोई बात तार्किक है, तर्क पे खरी उतरती है। समझ तब है जब मैं चीजों को जैसा है वैसा देख पाऊं, समझ पाऊं, मानव को समझ पाऊं, संबंध को समझ पाऊं। अगर समझ नहीं पा रहे हो तर्क कर रहे हैं तो फिर तो उसका किसी मान्यता को आधार बना के तर्क कर रहे हैं। जैसे कोई मान्यता बना ले सुविधा बराबर सुख, अब उसको लेकर तर्क करता रहे, उससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कोई मान्यता बना ले स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल द फिटेस्ट, उसके तर्क करता, फिर उसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। निष्कर्ष सार्थक तब निकलेगा जब समझेंगे। क्या समझेंगे? मानव को समझेंगे, मानव मानव संबंध को समझेंगे, समाज को समझेंगे, प्रकृति को समझेंगे, पूरे अस्तित्व को समझेंगे, ये समझना हुआ। और किन्हीं का कोई प्रश्न? कल कंटेंट को रखते हुए थोड़ा 4:30 का समय हो गया, तो आज हम लोग निर्णय पूर्वक जल्दी उसको कंप्लीट किया, बट मैं देख रहा हूँ कि मैं कंटेंट और फैला के ले जा सकता था, क्योंकि अभी आप लोग कुछ अपनी तरफ शेयरिंग भी नहीं कर रहे, प्रश्न भी नहीं कर रहे। कल किया तो हम लोग जो लोग अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं उनसे थोड़ी बात हो सकती है क्या? परिवार के लोगों के साथ में और जो साथ में है। दीप्ति जी ने अपना हाथ हैंड रेज किया है। हाँ जी जी सुमानी जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते, वो दीप्ति जी ने अपना हैंड रेस किया जी। हाँ। नमस्ते उमेश भैया,
और आज का सेशन वास्तव में मतलब वो समुद्र की गहराई है कि जिसमें हम लोग मोती निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी बहुत समय लगेगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आज का जो मुझे एक सार समझ में आया वो ये समझ में आया है कि जहाँ भी हम अपनी चाहना पे शंका करते हैं, जहाँ भी हमको ऐसा डाउट होता है, तो शायद वो समस्या में बदल जाती है। और ये समस्या जो है, जैसे हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कोई चीज और वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन या विरोध का कारण हमारा बनता है और संबंध हमारे वहाँ खराब हो जाते हैं। तो शायद ये इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को उसकी जगह रख के नहीं देख पा रहे हैं। और पिछले 4 सालों में मैंने अपने आप में ये पाया है कि मैं शायद प्रयास करती हूँ उस समय पॉज लेने का और उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखती हूँ, और कुछ समय बाद वो रिश्ते जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैं संवाद करती हूँ जैसा अभी उमेश भैया ने कहा, और निश्चित तौर पे ये संवाद जो है ये मेरे ख्याल से बहुत सारे रिश्तों की कड़ी जो है उसको जोड़ देता है। और जब ये डिज़ायर और जो हमारे थॉट्स जो हमारे अंदर चल रहे हैं, ये शायद जब हमारी समझ में पूरे परिष्कृत हो जाते हैं, तो शायद वहाँ पर हमको लगता है कि अब हम उस योग्यता का आकलन नहीं कर रहे हैं, उस समझदारी का आकलन कर रहे हैं, तो शायद वो प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाता है। तो ये मैं अपनी फैमिली में खुद इनिशिएटिव ले रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है इस सेशन को अटेंड करते हुए। थैंक यू आप सभी को टाइम देने के लिए। थैंक यू जी। और कोई शेयरिंग या प्रश्न, या जैसे राजुल भैया कह रहे थे, आपके कोई अगर परिवार के सदस्य आपके बैठकर वर्कशॉप कर रहे हो साथ में, तो उनका भी ओपिनियन ले सकते हैं, आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया या क्या चीजें वो खुद समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। भैया अपने साथ में उषा भाभी जी और रमेश भैया जी हैं। जी जी बताएं। रमेश जी हैं और उषा भाभी जी भी हैं, दोनों साथ में हैं। अच्छा अच्छा जी जी अच्छा लगेगा सुनने के, उषा भाभी को सुनना और आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। जी जी नमस्ते जी, हम लोग साथ में हैं और काफी एक दूसरे को हम लोग समझने लगे हैं, और काफी सहयोग और परस्पर समझदारी की जो तारतम्य है वो चल पड़ा है। और क्या कहूँ बस, और आपका सेशन बहुत डीपली है और मैं इसको समझने की और कोशिश कर रही हूँ, और हम लोगों के संबंध में डेफिनेटली बिल्कुल 99.10 मतलब 100% से ज्यादा एक सकारात्मक सा आई है। हर चीज का हल अब हम लोग खोज लेते हैं, क्योंकि आनंद राज्य आनंद संस्थान से भी जुड़े हुए हैं, लगातार हम लोग साथ में ही सेशन लेते हैं और अटेंड करते हैं। तो जी आपका सेशन बहुत अच्छा लग रहा जी, जी अच्छा लग रहा है आप दोनों एक साथ जुड़ के। लेकिन मैं, मेरे अंदर एक जिज्ञासा विचार आया कि आप दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं, तो जैसे सर ने कहा था कि आप परिवार के साथ जुड़ सकते हैं, तो परिवार के साथ जब जुड़ते हैं तो शायद हम एक इंस्ट्रूमेंट से जुड़ सकते थे, लेकिन आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट क्यों चुना, थोड़ा सा इसका जवाब चाहिए। उसका हम उत्तर दे रहे हैं। समझ पे सवाल उठाओ। नहीं 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 नहीं, अभी 11 से लेके 1 बजे तक अल्पराम का सेशन लगातार। मैं जवाब देती हूँ। जी मेरा सेशन था सुबह 11 से 12:30, तो मुझे बीच में आपका वो सुबह वाला नहीं सुन पाता, आज 10 बजे तक मैं 11 बजे तक सुन लेती हूँ, उसके बाद मुझे सेशन लेना पड़ता है, तो 12:30 तक वो चलता है, तब तक आपका ये सेशन शायद फर्स्ट वाला खत्म हो जाता है, फिर सेकंड वाले में मैं अपने मोबाइल से अटेंड करती हूँ और ये अपने से बस इसी कारण। नहीं, आपकी समझ पे कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, सलामत रहे, धन्यवाद जी। और मेरा काम कुछ होता रहता है किचन में या दूसरे रूम में, और ये अपनी टेबल कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो इस कारण से भी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार रहते तो साथ में ही। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ, बस मैंने ऐसे ही अपने कुछ अच्छा लगने के लिए ये सवाल पूछ लिया। जी थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू। भैया स्लाइड चेंज करिए ना जी।
लखनलाल जी ने हैंड रेज किया है। जी लखनलाल जी। जी नमस्ते सभी को, मैं मिसेस लखन असाठी। मैं सुबह तो नहीं सुन पाती हूँ क्योंकि सुबह मेरा बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन मैं 12 बजे जब फ्री हो जाती हूँ तो फिर मैं लगातार जितनी देर भी बैठ पाती हूँ, फिर 3 बजे जब आपका सेकंड टाइम शुरू हो जाता है तब भी मैं अभी भी मैं बैठी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल की बात हो रही है। तो मैं कोशिश करूंगी कि जब नेक्स्ट टाइम हमारा ये प्रोग्राम जब हो तो मैं पूरे समय जो है इसमें ज्वाइन करके और पूरा सुन पाऊं। हम लोग आपको जो इसका रिकॉर्डिंग है वो अभी उपलब्ध करा देंगे एक आध दिन में, जो खत्म हो जाएगा तो आप जरूर सुनिएगा और हमको आप अपना जो फीडबैक है वो बताइएगा कैसा है। श्रीमती लखनलाल जी। जी जी जी। तो हम लोग आपको रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराएंगे जी, आप जरूर सुन के हमको बताइए कैसा रहा हो। जी जी जरूर बताऊंगा। और आज का जो असाइनमेंट है उसमें आपकी भी भागीदारी होगी। जी जी बिल्कुल। जी जी ठीक है। मैं थोड़ा सा एक आपसे एडवाइस या वो चाहूंगा, हम लोग लगभग आमतौर पे अभी कोरोना काल में भी 1.5 घंटे का सेशन लेते हैं और आपका डिजाइन जो है फुल डे का है और जब तक क्लासरूम हम लोग सेशन ना लें तब तक ये हम लोग उतना डिलीवर नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा समझ आता है। तो क्या हम लोगों को कोई ऐसे टॉपिक्स के ऊपर कोई ऐसे छोटे सेशन डिजाइन करने में आप सहायता कर पाएंगे कि आपके पास हैं तो उनको उपलब्ध करा पाएंगे क्या? और जो रीडिंग मटेरियल है, क्लास नोट्स है, वो सारा कुछ आपके पास में ये शिविर के एंड में होगा। अभी तो आप अपने नोट्स ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। राजुल भैया एक बार वो आपका कनेक्टिविटी थोड़ा सा वो करें ना, माइक लगा वापस से एक बार ज्वाइन करें, वो आवाज में बहुत खराश आ रही है इनके। अभी भी आ रही है? जी जी। अच्छा हम फोन से ज्वाइन करते हैं, इससे शायद कुछ प्रॉब्लम है। हाँ वो शायद थोड़ा सा उसमें। ओके ओके हम थोड़ी देर में फिर ज्वाइन करें, तब तक कुमार आप बता सकते हैं, हम अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं। तब तक जो है वो तिवारी जी, डॉक्टर तिवारी भी अपनी फैमिली के साथ है, उनका कोई शेयरिंग हो, कुछ कमेंट हो सर। जी सर नमस्कार। चूंकि सर कल आपने थोड़ा सा चर्चा किया था कि अगर कल संभव हो सके तो परिवार के साथ में अगर इसको सुनेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, तो हम तो सर विगत 4 वर्ष से कंटिन्यू राजनंद संस्थान के साथ में जुड़े ही हैं और इसी वजह से कुछ जो बीच के क्वेश्चन भी थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ऐसा लगने में बोलने में ऐसा लगेगा कि नहीं ये बना के कुछ किया जा रहा है, लेकिन यथार्थता बताऊं मैं जैसा 2018 में, क्योंकि अभी भी हमारे इधर, मैं सतना जिला से निवास करता हूँ, हमारे इधर अभी भी देहात क्षेत्रों में छुआछूत वाला, जैसे आदिवासी के यहाँ या साकेत के यहाँ चाय बिना मतलब यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते। लेकिन जब मैं टीओटी के ट्रेनिंग लेके आया और सतना से 12-14 किलोमीटर दूर एक गांव है, वो कुछ जन अभियान परिषद का कैंप था, उसमें गया था, सब लोग निकल आए, उसके बाद में मैं जिसके यहाँ बैठा था वो आदिवासी के ही घर था, तो उन्होंने कहा कि सर काफी समय से आप आए हुए हैं तो पानी किसी से मंगवा दें क्या? तो हमने कहा क्यों, तो वो बोले कि हमारे यहाँ आप कैसे पियेंगे? तो मैं पहले अगर हो तो मैं बच्ची से या किसी के यहाँ से चाय या पानी मंगवा देता हूँ। तो हमने कहा कि अगर आपके यहाँ व्यवस्था हो तो चाय आप भी बना सकती हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि मतलब चाय हमारे यहाँ, ये तिवारी हैं, आप कैसे पियेंगे, मैं आदिवासी हूँ। बोले सर हमारे यहाँ चाय, तो हमने कहा हाँ चाय तो वही है, वही शक्कर पत्ती है, और अच्छा होगा कि अगर आपके पास दूध ना हो तो काली भी बना सकती हैं और दूध हो तो कोई बात ही नहीं। अब उसके यहाँ जब मैं चाय पिया सर, मैं 17 मई 2018 की बात ध्यान है, इतना उसके खुशी, मतलब पूरा परिवार ऐसा और 2-4-6 लोग उसके अगल बगल वाले भी चूंकि बैठे थे, कार्यक्रम ही था, कार्यक्रम समापन के बाद की बात थी,
एक कैंप टाइप लगा था और वो जो खुशी महसूस हुई, तो ये फिट बात था कि भेदभाव जैसे हम अपन जाते हैं तो इसके पहले बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो अपने समझ से बिल्कुल परे थी और वो चीज ऑलरेडी करते ही थे। प्यून है तो प्यून के हिसाब से देखेंगे, अगर ऑफिस में गए हैं और कोई जिला लेवल का या ब्लॉक लेवल का अधिकारी तो उससे अलग भी भेदभाव करेंगे। लेकिन ये जो चार साल में जो सुधार आया तो ये तो नहीं कह सकते कि 100% अपन हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे पूर्णता प्रयास है और उस प्रयास की ओर ही है। और ये जो परिवार के साथ में आज दोनों बच्चे हैं और श्रीमती जी साथ में ही है, तो थोड़ा सा श्रीमती जी से हम चाहेंगे कि कैसा लगा बता सकती है। नमस्ते सर, मेरी ओर से मैं बीना तिवारी, और मेरे को कल से तो मतलब सुनती थी बीच बीच, लेकिन कल से परमानेंट सुन रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे मेरे घर की बात हो रही है। बहुत अच्छी बात है। आगे भी कंटिन्यू करेंगे, आगे जो दो दिन का सत्र है उसको भी पूरा सुनेंगी। जी जी, बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है ये सब बातें सुनने के, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर ही की बात चल रही है। मोगा किचन भी पास ही में है, ज्यादा अच्छा। दूर नहीं है तो दोनों काम होते रहते हैं। जी, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा कमरे जी। जी जी, थैंक यू सर। कोई और शेयरिंग करना चाहेंगे, कोई परिवार के सदस्य किसी और के साथ बैठे हों? और जो लोग भी परिवार के साथ बैठे हैं उनसे हम लोग जो आखिरी दिन होगा उसमें जब सब लोग अपना अपना उसको रखेंगे, शेयरिंग को रखेंगे, मूल्यांकन को रखेंगे, तो जरूर जितना भी ज्वाइन कर सके बहुत अच्छा रहेगा। और आपका भी शेयरिंग अगर हम लोग सुन पाए तो बहुत अच्छा रहेगा उसमें भी। कुमार आवाज आ रही है? जी, आवाज अब बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। अच्छा अच्छा, बढ़िया। कभी अपना सब सिस्टम जो है ना वो सब अब वो प्राकृतिक नियम के अनुसार वो धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है इंक्लूडिंग शरीर। तो नहीं राजल भैया, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो प्रश्न था वो आंसर हो गया क्या कुमार? आपको देना है राजल भैया, आपको देना था। तो हम ब्रीफ में भी रख देते हैं और पांचवें दिन इसकी ठीक से चर्चा करेंगे। तो ये पूरा जितना भी मटेरियल है ये हम लोग आप लोग को उपलब्ध कराएंगे ये शिविर खत्म होने के बाद में, ताकि आप लोग इसका सदुपयोग कर पाए। और इसके आगे का बहुत सारे और मटेरियल है, उसको हम लोग फिर पांचवें दिन और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब बिल्कुल फ्रीली उपलब्ध मटेरियल है और वेबसाइट है और वो सब, तो उसको हम लोग सब आप लोग के साथ शेयर करेंगे। हम सबका सम्मिलित ये एक तरह से प्रयास है, तो इसलिए हम लोग तो सभी को उपलब्ध करा देते हैं। और आप तो बिल्कुल इसका इतना सारा काम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो आप तो ज़रूर इसके भागीदार होंगे। तो इतना हमारी तरफ से। और अब 4:30 बजने ही वाला है, हम लोग सबसे सुन लें। कुमार, अगर आपको कुछ अभी क्लोजिंग में कहना है तो कहिए, उसके बाद में फिर सबसे सुन लेते हैं। सुमानी जी ज्वाइन किए हैं, बहुत अच्छी बात है जी। सुमानी जी भी कुछ अगर कहना चाहे अपनी तरफ से। नहीं बिल्कुल कुमार भैया, बढ़िया चल रहा है। और मैं तो इसीलिए हूं कि इसके बाद में मध्य प्रदेश में जैसे भी जो गतिविधियां और आनंद के साथ में जो हमको चलानी है तो उसमें मैं साथ में रहूंगा, तो इसीलिए मैं साथ में जुड़ा हूँ, जिससे सब लोगों जिससे परिचय और थोड़ा सा पता भी लग जाता है, भागीदारी भी समझती है सबकी। जी, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल। तो हम लोग के साथ में सभी लोग आनंद संस्थान के जुड़े हुए हैं। इंद्रपाल सिंह जी हैं, प्रवीण गंगराड़े जी है और सत्य प्रकाश जी भी है,
सत्य प्रकाश जी, हम आपका नाम इंग्लिश में ढूंढ रहे थे, आपका नाम हिंदी में लिखा हुआ है तो हमको मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि आपने कहा कि पता नहीं क्यों नहीं है, क्या क्या हो गया, बट फिर अब आप हिंदी में ढूंढ रहे हैं तो आपका नाम भी है इसके। तो प्रदीप महतो जी ने भैया हैंड रेज किया अभी। हाँ, इन अभी हम लोग का 4:30 बजने वाला है तो इसको क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद में इनफॉर्मली आगे अगर डिस्कस करना है तो 10-5 मिनट तो कर लेंगे। दिलशाद भैया फॉर्मली हम लोग क्लोज कर लेते हैं। नहीं, अभी इनको हाँ, सुन लेते हैं पहले अपने इंद्रपाल जी को और गंगराड़े जी को और सत्य प्रकाश जी को, उसके बाद फॉर्मली क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद में प्रदीप जी का स्वागत है, उनका बात को हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। जी भैया, अभी आप जैसे बात कर रहे थे तो हम आखिरी दिन में पूरी चर्चा और कर लेंगे किसको किस ढंग से और आगे चलाना है और क्या प्रक्रिया होगी, और जो राइट अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, समझदारी, ये तो अभी आवश्यकता बनी है, अब इसको समझदारी को और आगे बढ़ाना है तो ये भी एक बड़ा काम है। ये तो जिंदगी भर का काम है प्रवीण जी। तो भी और गहराई से कैसे और ले जाना है, समाज अपने भीतर शुरू हो रहा है तो एक एक चीज को बहुत सारा देखना पड़ता है इसको। बिल्कुल। तो मतलब बीइंग संस्थान से इसको कैसे आगे ले जाएंगे ये अपन 5-6 दिन और बात कर लेंगे, बाकी तो बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल। सत्य प्रकाश जी आप कुछ कहना चाहेंगे या इंद्रपाल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भैया, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा, मतलब आज तो काफी बहुत सारे पार्टिसिपेंट को मैं सुन भी रहा था, उनके जो कमेंट्स हैं, जिस तरह की भागीदारी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसा हमने सोचा था उस तरह से गहराई में गया है, और लोगों ने जो विश्लेषण करके अपने साथ निकाला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसा आप कह रहे हैं हम सब लोग उसी यात्रा में हैं और समझने के क्रम में शायद बहुत लंबा समय लगने वाला है, लेकिन एक चीज जो बहुत जरूरी है जिसको मैं अपने लिए मानता हूं और मैं समझता भी हूं कि ये गहराई चाहे जितनी भी हो लेकिन समझने की क्षमता, आज बात भी बार बार इसमें हुई है कि सब में क्षमता है, तो समझने की क्षमता सब में है, सब बराबर है इस स्तर पे, और ये बड़े आसानी से सब लोग इसको समझ पाते हैं, बशर्ते उसको ध्यान दें थोड़ा, और ये जो आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया है वो चलती रहे, और अच्छी बात यह है कि इतना सारा सहयोग मिल रहा है हमें आपकी टीम से, तो और ये आश्वस्ति मिल रही है कि जो कुछ भी आपको चाहिए होगा सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, तो इससे हमें पूरा भरोसा है कि हम काफी अच्छे से इसको आगे ले जा पाएंगे। ये आपकी टीम वाला जो वर्ड था ना, वो हमारी टीम है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी टीम, अपनी पूरी अपनी टीम सब टीम, मतलब ये एक बड़ा मान परिवार है, उसमें से हम लोग एक भाग हैं, तो इतना ही है। जी जी बिल्कुल, अपनी टीम हमारे परिवार के जिनका हैंड रेज था, अभी फॉर्मली क्लोज करके फिर वो कर सकते हैं। सत प्रकाश सर से आग्रह है, जी सर अगर सुन पा रहे हो तो, इसके लिए सर हम चाहते हैं कि जो अभी तो हो रही ऑनलाइन, ऑफलाइन की जाए हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ये थोड़ा अभी आप समझ रहे हैं जो संक्रमण की पूरा महामारी का पूरा दौर था, दरअसल इस वजह से ये ऑफलाइन किया गया है, हम सबकी इच्छा थी कि हम आमने सामने बैठ के बात करें तो वो ज्यादा प्रभावी हो पाता, लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस कदर हम सब ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है और जिस तरह से हम सवाल रख रहे हैं और जिस तरह से हम चीजों को समझ रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो भौतिक दूरी जो है वो काफी काफी हद तक हमने पाट दिया है, फिर भी बुंदेला जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए तो हम जरूर इसको ऑफलाइन भी करेंगे। जी सर, थैंक यू सर, जी सर। और हम लोग सबको तैयार होना है, मतलब जितने भी लेवल के ऊपर हम लोग कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ घर तक कर सकते हैं तो घर तक करें, गांव तक कर सकते हैं गांव तक करें, तो हम लोग सबको एनीवे हम लोग उसको इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं अभी भी, तो ये सब चीजों को मिला करके जो आनंदक जो सब लोग इस काम को कर रहे हैं और जो प्रोग्राम्स को कर रहे हैं,
उसके साथ में मिला करके जो भी कार्यक्रम निकले उसको एनीवे हम लोग कर ही रहे हैं, तो अच्छा रहेगा कि हम लोग सब लोग जितनी तैयारी अपनी कर सकते हैं, अपने में जो जांच परख कर सकते हैं, इसीलिए पहले दो दिन जो है वो केवल और केवल अपने ऊपर केंद्रित था। आज जाकर के थोड़ा सा खुल रहे कि भी अब दूसरे को भी अब इसके अंदर देखें कि भी हमारी हालत ये है और इसके साथ में फिर हम लोग जो है दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और कल दोपहर में या सेकंड सेशन में या उसके दोपहर में हम लोग फिर और समाज को लेके आएंगे, प्रकृति को लेके आएंगे, क्योंकि हमारा जीना उसके साथ भी है, तो वो सब ऐड करते रहेंगे उसके अंदर। तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग आज जो है अपने परिवार के साथ में जो असाइनमेंट है वो हमारे स्वनिरीक्षण के लिए है, अपने अंदर झांकने के लिए, अपने परिवार के अंदर, अपने मित्रों के साथ में जितना भी हम लोग कर सकते हैं उतना, जो असली चीज है उसके मतलब ये कोई असाइनमेंट भरने के लिए नहीं है, ये तो असाइनमेंट है कि भाई हम लोग इसका सहारा लेकर बहाना बनाकर जो भी इसके ऊपर अच्छे से कम, और उसके बाद में फिर उससे हमको क्या निकल के आता है, उससे क्या प्रेरणा मिलती है या क्या हम लोग उसके आगे कर सकते हैं, वो सब निकल के आएगा। तो इसलिए ये चारों असाइनमेंट उसी दृष्टि से रखे गए हैं। तो अब फॉर्मली क्लोज कर सकते हैं। और फिर हैंड रेज था, वो हैंड रेज क्यों निकल गया अभी, तो उसको वापस हम लोग प्रदीप जी जो हैं उनसे बात करेंगे। तो फॉर्मली दिलशाद जी क्लोज करते हैं इसको, फिर हम लोग आगे बात कर ले थोड़ी देर, तो कुछ देर उसके बाद, और जो लोग को डीप करना है जरूर उसको कर ले, अपने शेड्यूल को डिस्टर्ब ना करें। जी भैया, तो यहाँ पर हम लोग अपने सेशन को फॉर्मली क्लोज करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न है या कुछ शेयरिंग है, कोई ऑब्जर्वेशन आप लोग रखना चाहते हैं, तो हम लोग नए आपके लिए कोई भी नया कंटेंट, कुछ भी आगे की बात चर्चा नहीं होगी। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा असाइनमेंट होगा, कुछ कहीं कुछ काम होगा, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जो भी लोग जुड़े रहना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर हैं, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। प्रदीप महतो जी हैं, एंड्रेस है आपका जी। नमस्ते प्रदीप जी, बताए। जी आपका माइक अनम्यूट है, आवाज नहीं आ रही है लेकिन प्रदीप जी। हेलो हेलो हेलो, आपकी मुकेश जी आपकी आवाज आ रही है, प्रदीप जी की नहीं आ रही। सर मैं ये कह रहा था कि आज मैं थोड़ा ऑफिस में व्यस्त था, तो मैं जो है ठीक से अब मैं सम्मिलित नहीं हो पाया, सब कान में मेरी ईयरफोन लगा था और कोशिश यही थी कि मैं इसको अच्छे से पूरी तरह से अटेंड कर पाऊँ। तो मैं चाहूंगा कि यदि थोड़ा सा ब्रीफ कर दें पूरे प्रोग्राम को तो बहुत बढ़िया रहेगा, या कुछ ऐसे यही चीज मैं चाहूंगा। धन्यवाद सर। जी सर, कल सुबह हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे एक बार फिर से, अभी आज तक की चर्चा के ऊपर, तो वहाँ पे आपका एक क्लियर, आपका और बाकी सभी साथियों का भी रिवीजन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा उसमें। अभी कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो सर आपके अगर सर से, तो आप रख सकते हैं। रिवीजन का कार्यक्रम या फिर 9:30 से ही रहेगा? फॉर्मली सेशन 9:30 से स्टार्ट होगा, 9 बजे से इनफॉर्मली हम लोग सेशन स्टार्ट कर देते हैं। 9 से 9:30 एक इनफॉर्मल सेशन रखा गया है, उसमें आप लोगों के हम रिफ्लेक्शन, टेक अवे और शेयरिंग सुनना चाहेंगे कि आप किन किन बातों को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं स्वयं में, परिवार में, वो सब सुनने के लिए हम रखना चाहेंगे। जी सर, जो फीडबैक कल भरा गया है वो आप तक पहुंच गया है, तो क्या उस पर भी चर्चा होगी बीच में? जी असाइनमेंट की बात कर रहे हैं सर, जी विद्या सर असाइनमेंट की बात कर रहे हैं सर आप? जी सर, असाइनमेंट में जो भरा जा रहा है कि हम सही भर पा, मतलब भर तो चुका ही अब उसमें अमेंडमेंट पर ही बात है। असाइनमेंट के लिए सर एक बार फिर से बताना चाहेंगे, वो असाइनमेंट वो हम लोगों द्वारा आपके इवैल्यूएशन के लिए नहीं है, वो आपके सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए है।
उसमें कोई मार्क्स इस तरह से नहीं है, ना कोई इस तरह से हम लोग उसको इवेल्युएट करने जा रहे हैं। ये जो भी आपको लग रहा है, जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ जो भी पोल और रिफ्लेक्शन क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सब का भी पर्पज़ एक ही है कि हम स्वयं में एक्सप्लोर कर पाएँ और देख पाएँ कि हमारी अभी समझ क्या है और हमें और उस पर कितना काम करना है। तो उन असाइनमेंट्स का भी मेन मोटिव यही है, इट इज़ नॉट फॉर अस टू इवेल्युएट यू। जी, उसका कोई भी उद्देश्य के द्वारा ऐसा नहीं है। बाकी उस असाइनमेंट क्वेश्चन के ऊपर आप कोई भी चर्चा करना चाहे, उस पर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो स्वागत है। जी, जिस तरीके से अपन ने पैसा और प्रतिष्ठा इस तरीके से वर्गीकृत किया गया था आओ अभा में, तो वहां पर मैंने संयुक्त मकान भी लिखा था और कृषि भी लिखा हुआ था। जी, तो संयुक्त मकान इन द सेंस अपन इसमें जो कह रहे हैं कि हमारी सुविधा की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से बड़े मकान की नहीं, तो लेकिन जो है कि संयुक्त मतलब रहना वो किस कैटेगरी में आएगा, इस तरीके से उसमें क्या सही था कि नहीं था, ये चीजें जो हमने भरी हैं वो चीज फिर कौन देखेगा उस चीज को, या हम कैसे समझेंगे उसको? हाँ, उसकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं बिल्कुल। जी कुमार भैया, आप रिस्पॉन्स करना चाहेंगे इससे? मोहित भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। विजय सर की बात पे आप सर रिस्पॉन्स करना चाहेंगे? मोहित भैया, ये वो प्रश्न ना असाइनमेंट वाला, वो मुझे पूरी तरीके से भी ध्यान नहीं है। तो नहीं नहीं प्रश्न के नहीं, वो विजय सर ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक संयुक्त परिवार को रखने के लिए बड़ा मकान की इच्छा रखता हूँ, तो वो सही समझ पे है कि संबंधों पे है या सुविधा पे है? तो अगर मैं इस प्रश्न को देखूं अपने लिए, तो हमारा जो परिवार है वो संयुक्त परिवार भी हो सकता है, या हम इंडिविजुअल कहीं रह रहे हैं तो संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे हैं, तो जो भी आवश्यकता बनती है परिवार में जितने नंबर ऑफ सदस्य हैं उसके बेसिस पर हम तय करते हैं कि किस तरीके का मकान चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, अगर संयुक्त परिवार है तो उसके आधार पर हम अपनी आवश्यकता का निर्धारण करने जाएंगे, तो बिल्कुल ठीक है कि उसमें दो कमरे नहीं चार कमरे की ही आवश्यकता होगी। तो संयुक्त परिवार के रूप में उसकी आवश्यकता का निर्धारण जब करने जाएंगे तो हर व्यक्ति की आवश्यकता को ध्यान में तो रखना पड़ेगा। जी ठीक बात है मेरे हिसाब से। तो ये संबंध में आएगा कैटेगराइज में, संबंध के निर्वाहन के लिए जो हमारे अपने हैं उनके उनको सुविधा को उपलब्ध कराना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हमारा बच्चा है, हमारी माँ है, हमारे पिता है, तो जब हम संबंध का निर्वाहन करते हैं तो उनके शरीर को की जिम्मेदारी को भी हम स्वीकारते हैं। तो शरीर के लिए जो आवश्यक सुविधा है वो खुद से नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो हम उत्पादन या उपलब्ध दोनों कराने में जहां पर भी सक्षम है वो हम करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा मुझको दिखता है। कृषि भूमि को जब अपन इस तरीके से सोचते हैं कि हमारे पास होना चाहिए, एक हस्तांतरण की प्रक्रिया होगी उत्पादन की दृष्टि से या एक सुरक्षा की दृष्टि से परिवार के लिए, तो समृद्धि वाला जो भाग है भैया, है ना, जब हम अपनी आवश्यकता को जो शरीर का भाग है उसको देखें, तो समृद्धि कहते ही है कि जो आवश्यकता से अधिक की उपलब्धि हो जाए या उसका उत्पादन हम कर पाए। तो उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो हम बाहर जाके कहीं काम करते हैं, उससे कुछ धन अर्जित करते हैं, फिर आवश्यक सुविधा को उपलब्ध कराते हैं। उत्पादन कर पाते हैं तो फिर हमें अलग से धन की अर्जन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो ठीक है, दोनों तरीके से जो जहां पर जैसे सक्षम है, हमारे पास कृषि योग्य भूमि है तो हम उत्पादन करके उस आवश्यकता को पूरा कर पाते हैं। ठीक है, थैंक यू। कार्यक्रम बहुत अच्छा है अपना और इस स्तर पर मिला है। जी 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 जी, मैं एक बात विजय जी से ही जुड़ी हुई मैं एक बात रखना चाह रही हूँ कि जो हमारे असाइनमेंट्स हैं एक्चुअली में हम लोग जब सबमिट कर देते हैं तो वो मैं तो देख सकती हूँ क्या उसको दूसरी जगह पे, ताकि मैं फिर जैसे आज भरूँ और कल मुझे उस पर चर्चा करनी है तो मैं उसको कहाँ खोल पाऊंगी, मैं अपने ही रिस्पॉन्स को जैसे मैंने कुछ वो दोबारा तो खुलता नहीं है दीदी, शायद सबमिट होने के बाद नहीं खुल जाता है। मैं बीच में टोक रहा हूँ, सॉरी, खुल जाता है वो मेल पे कॉपी पहुंच रही है। हाँ मेल पे कॉपी पहुंच रही है अनिता मैम, उसका अभी मैं आज अपनी बात रख रहा हूं, जो भी हम रिस्पांस सबमिट करते हैं उसका एक कॉपी मेल पे भी आता है। जी कभी कभी हो सकता है कि मेल डिलीवर होने में थोड़ा लेट हो जाता है गूगल सर्वर की तरफ से, अदरवाइज
बाय डिफॉल्ट वो मेल पे जाने का प्रोविजन है उसका जी। ठीक है मैं देखती हूँ, क्योंकि जो विजय जी के मन में भाव था वो मेरे मन में भी भाव था कि शेयरिंग के समय अगर हम अपने ही रिस्पांस को खोलकर फिर आपसे चर्चा करेंगे तो शायद हम देख पाएंगे कि हम जो असाइनमेंट भर रहे हैं उसमें हमारी हम सही समझ की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं, ये थोड़ा सा हम समझ पाएंगे जब आपसे उसको हम अपने रिस्पांस को खोलेंगे और फिर हम आपसे संवाद करेंगे तो फिर शायद हम आपको हम अपने आप को खुद से एक बार फिर जांच पर रख पाएंगे चर्चा के दौरान। इस भाव से मैंने ये बात रखी तो मैं देखूंगी खोल के। देखिए अनीता जी रिस्पांस जो है वो फिर से नहीं, मतलब जो जब असाइनमेंट का टाइम ओवर हो जाता है ना तो असाइनमेंट फिर खुलता नहीं है। असाइनमेंट के टाइम में आप कितनी बार भी खोल बंद कर सकते हैं उसको, बट असाइनमेंट का टाइम होने के बाद में फिर वो खुलता नहीं है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है सिर्फ उसका जो आपको ईमेल आया है उसको जरूर आप खोल सकते हैं। तो हम उसको मतलब जैसे फिल करने के बाद नहीं खुलेगा, फिल करने के पहले को जैसे फिल करा हुआ फॉर्म ना खुले। ना ना फिल करा हुआ या अनफिल करा हुआ फॉर्म सिर्फ उस विंडो में खुलता है जो 1:30 बजे का टाइम है आज का लेटर से कल की असाइनमेंट के लिए। ओके हाँ आज की जो असाइनमेंट है वो आज के 1:30 बजे से कल के 9:30 बजे सुबह तक खुल सकता है, आप कितनी भी बार खोलें उसको। चलिए मैं आज ऐसा करूंगी कि असाइनमेंट जब कंप्लीट करूंगी अपना तो उसके कुछ बिंदुओं को चर्चा के लिए मैं डायरी में नोट करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया रहेगा वो, चर्चा कर पाऊंगी कल ऊपर जहां भी मुझे ऐसा लगेगा उन मुख्य बिंदुओं को मैं जरूर डायरी में थोड़ा सा हाँ हाँ बिल्कुल नोट करूंगी तो फिर कल चर्चा में बेहतर तरीके से हिस्सेदारी कर पाऊंगी। ठीक बात है, ठीक बात जी। थैंक यू, बस शब्द नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरह से अल्पविराम को मैं देख रही हूँ सेल्फ ऑब्जर्वेशन के रूप में और ये मुझे लग रहा है इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है मेरा या मैं और गहराई की तरफ जा रही हूँ। देखिए आपने अल्पविराम से इतनी बढ़िया तैयारी की है ना तो इतनी सिंसियरली आप लोग इसको कर पा रहे हैं। हाँ पता नहीं बहुत भाव हर बार राजानंद संस्थान के प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड के भाव हमेशा मन में रहते हैं। ठीक बात है। मेरे लिए ये लाइफ चेंजिंग अनुभव था उसे करना। बिल्कुल। और बहुत अधिक मैं अपने जीवन में प्रभु कृपा से मुझे लौकिक रूप से मैंने बहुत मेहनत करी जीवन में, बहुत संघर्ष भी रहा मेरा, बहुत सामान्य परिवार से थी मैं जहाँ की लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, मतलब पढ़ने का ही मेरा संघर्ष बहुत विकट था। मैं 7 बहनों भाई बहनों के परिवार में 6 नंबर पर हूँ और मेरी 3 बहनों की शादियाँ बहुत जल्दी हुई थी और उनको 10th-11th तक ही पढ़ने दिया गया था तो मेरा संघर्ष बहुत ज्यादा था। तो सब कुछ बहुत अच्छा था पर उन सब के साथ एक वास्तविक सुकून वाला भाव नहीं आता था मुझे, जबकि बहुत अच्छा था, मतलब अच्छी जॉब थी, मेरे पति डॉक्टर, बच्चे दोनों वेल सेटल, सारी चीजें। पर जब से मैं 2018 से जुड़ी हूँ, हालांकि उसके पहले भी इस तरह का नहीं था पर अब मैं चीजों को बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ और वो संबंध पूर्वक जीने का जो विरोध कम हो गया है, इसीलिए शायद मैं अपने प्राचार्य से ये कह पाई कि मैं मतलब उनको उनसे संवाद कर पाई कि आप देखिए मेरे अभी तक के आपने क्या करा, पर उसके बावजूद भी आप अगर मेरी साइड आकर देखें कि मैंने कुछ नहीं किया है अभी तक, यानी मैं नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सारी चीजें फिर वापस नॉर्मल हो मेरे और आपके बीच में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्पविराम की ताकत थी मैं, मतलब ये राजानंद संस्थान की मेरे अंदर में अपने आप में वो महसूस। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। और मतलब ये सब बातें जो है ना, अगर जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, जो इंटरनेट है, जो मीडिया है, इन सब जगह में अगर ये बातें हों तो हमारा समाज कैसा होगा उसको कल शाम को डिस्कस करेंगे, दोपहर में और शाम को। जी बिल्कुल।
मैं चाहूंगी क्योंकि मैं अपने तरफ से मैंने बहुत लोगों को जोड़ा राजानंद संस्थान से और लगातार अभी भी मेरे उस स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। मैंने अपने विद्यार्थियों के बीच में भी काम करने का लगातार प्रयास किया है। बहुत छोटे छोटे जो भी मैं कर सकती थी उनके साथ मेरी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है और स्ट्रेस मेरा बिल्कुल खत्म हुआ है मेरे आसपास के वातावरण से। बहुत अच्छा। तो बहुत सारी चीजें अपने स्तर पर करिए, पर अभी जब आपकी चर्चा जो 3 दिन की चल रही है, मैं कोई भी बात कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, दिल से उन सारी चीजों को महसूस कर रही हूँ कि बहुत गहराई चीजों की मैं देख पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जिससे आज जो सम्मान वाली बात आई कि निश्चित रूप से मेरा बहुत लंबे समय से एक भाव आ गया था कि जैसे मेरे घर में 5 लोगों का स्टाफ है मेरी हेल्प के लिए, क्योंकि घर में ही वो है क्लिनिक भी, तो जैसे मेरी मेड आती थी तो सब जने मुझे राम राम करते हुए आती थी, मेरी मैड आती थी और सीधे उसमें घुस जाती थी। तो मुझे बड़ी शिकायत रहती थी 2018 के पहले कि सब मेरे से राम राम करते हुए आते ये क्यों नहीं बोलती, क्योंकि शायद मेरा एक माइंड सेट था कि ये मेरे यहाँ काम कर रही है तो इससे पहले मुझसे राम राम करना चाहिए। पर जब अल्प विराम से जुड़ी तो मेरे मन में भाव आया कि मैं क्यों नहीं कर सकती पहले। एक बात है। तो मैंने उससे राम राम शुरू करा। जैसे ही वो सुबह आती है तो सबसे पहले शारदाबेन जी राम राम, और वो एकदम चौंक गई जब पहले दिन मैंने शुरू करा। दूसरे दिन भी मैंने आगे से किया, उसके बाद ये हो गया कि वो घर में आती दीदी राम राम, मतलब बिल्कुल भाव बदल गया। तो पर अभी भी जब मैं यहाँ आकर देखा, अभी आज की पूरी चर्चा में मैंने खुद को देखा, तो मैंने महसूस करा कि इतना सबके बावजूद भी कहीं मैं कई बार उसको सम्मान को कम कर देती थी, ऐसा मुझे आज महसूस हो रहा है। तो मैं उस तरफ और अपने को देखने का, अपने को और जानूंगी इन सारी चीजों पर। थैंक यू सर, बात बहुत लंबी हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात। ये तो आफ्टर, ये जो आफ्टर फॉर्मल क्लोज है उसका समय है, तो थोड़ा समय लगा सकते हैं, उसकी क्या बात है। परिवार में तो लगाने चाहिए समय संवाद में। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत उत्साह भी इस बात का है कि जैसे इसके बाद, जैसा आपने कहा कि सेकंड फेज होता है, थर्ड फेज होता है, फिर 10 दिन की, 1 महीने की, तो मुझे मेरे मन में बस अभी से बहुत सारी उत्सुकता और उत्साह है। मैं उन सारी चीजों से जुड़ना चाहूंगी। जरूर जुड़िए। और क्योंकि मेरे 65 में रिटायरमेंट होता है जी। पर मेरी रिटायरमेंट को भी लगभग 5 साल बाकी है जी। पर मैं मन बना चुकी हूँ कि अगले 4 से 6 महीने में, जैसे ये थोड़ा सा मेरा मेरे प्रिंसिपल के साथ जो भी स्थिति बनी है वो थोड़ी सी जैसी रिजॉल्व होती है, तो मैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट का मैं मन बना चुकी हूँ बहुत पहले से ही। अभी ऐसा नहीं कि उनके साथ हुआ इसलिए, मैं पिछले लगभग 8-10 महीने से मेरे मन में ये भाव चल रहा था कि मुझे VRS लेना है और फिर बेहतर तरीके से अपने को समय देना है, और क्योंकि जिंदगी में बहुत लंबा समय, मैं लगभग मुझे 37 साल हो गए नौकरी करते हुए, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, अब मुझे खुद को समय देना है और बेहतर तरीके से कुछ और करना है जी। तो मेरे को लगता है कि शायद मैं सही समय पे इन सारी चीजों से जुड़ रही हूँ, ताकि और अच्छे से मैं इन सारी चीजों से जुड़ पाऊंगी पूरी तरह से फ्री होने के बाद। ये मेरे मन में भाव आए हैं। बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू। हम लोग का करना जो है वो एक भाग है उसका, लेकिन जो होता है वो नियति सहज विधि से होता है जी। जी, हम बीज तो जरूर लगा सकते हैं लेकिन पौधा निकल जाएगा उसमें से, ये हम नहीं कर सकते। हाँ, ये इसकी भी थोड़ा सा समझ लंबे समय से डेवलप हो गई, अभी से नहीं बहुत समय से जी। इसकी भी जो आप कह रहे हैं उस तरह की चीजें भी मेरी चिंतन में है जी। पर अपने हाथ में प्रयास है तो वो प्रयास उस तरीके में जरूर करती रहूंगी, करना चाहूंगी। शुभकामनाएं आपको जी। थैंक यू सुमानी जी।
और प्रवीण जी हैं इसमें अभी, और कौन है, अगर कोई और कहना चाहे कुछ तो जरूर कहे, उसके बाद फिर हम लोग क्लोज कर सकते हैं। कुमार कुछ अब कहना चाहेंगे? नहीं भैया, कर सकते हैं क्लोज, बाकी कोई हाँ। पार्टिसिपेंट्स में से कोई कुछ और किसी का हो, नहीं तो फिर कल सवेरे 9 बजे जब जुड़ेंगे तब। हाँ, 9 से 9:30 इनफॉर्मल है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है किसी को आने की, लेकिन अगर आना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें, कुछ परिवार के लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहें, कुछ असाइनमेंट में कुछ ध्यान आया उसको शेयर करना चाहें, तो वो बढ़िया रहेगा। तो दिलशाद जी क्लोज कर सकते हैं फिर हम लोग। जी जी भैया, ठीक है जी, परीक्षित जी जी, सभी को नमस्ते। कल हम लोग सुबह 9 बजे जूम रूम फॉर्मली ओपन कर देंगे, तो जी सभी को नमस्ते। नमस्कार, सुबह कल प्रातः मिलते हैं। नमस्ते, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते।